इस नेक्स्ट फ्लो और एन कोर्स समुदाय द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम चौथे सेशन की स्टार्ट करेंगे आ, उससे पहले कुछ मेरे बारे में मेरा नाम अभिनव शर्मा है और मैं फ़िलहाल दो एफिलिएशन्स रखता हूँ मेरे पहली अफिलिएशन है पीएचडी स्टूडेंट मैं आप पी एच डी प्रसू कर रहा हूँ स्टेलन बॉस यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका में ट्यूबर क्लोसिस जीनोमिक्स को लेकर और इसके साथ साथ मैं बायोन्थोमेटिक्स कंसल्टेंसी ऑफर करता हूँ बायोशार्प डॉट नेट के माध्यम से अगर आप हिंदी में बायोन्थोमेटिक्स ट्यूटोरियल को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए इसके साथ हम अभी तक जो भी हमने कवर करा है दूसरे सेशनस में उसका क्विक रिकैप करते हैं आ, पहले सेशन में हमने Uh, आपको नेक्स्ट फ्लो और रिप्रोड्यूसिबल साइंस के बारे में uh, बताया था उसके बाद हमने uh, साथ में एक हेलो डॉट एन एफ स्क्रिप्ट पर काम करा था जिसके थ्रू हमने uh, जो नेक्स्ट फ्लो के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनके साथ आपका पहली बार इंट्रोडक्शन करा था उसके बाद हमने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आर एन एस सी पाइपलाइन को लेकर स्टेप बाय स्टेप उस पाइपलाइन को डेवलप uh, करा था इसके साथ दूसरे सेशन में हमने एन एफ़ कोर कम्युनिटी के बारे में आपको बताया था उसके बाद हमने आप हमने ये भी बताया था कि आप उस एन एफ़ कोर कम्युनिटी द्वारा बनाए गए टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को एज़ ए यूज़र कैसे यूज़ कर सकते हैं और एज़ ए डिवेलपर कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ हमने उस सेशन का अंत एन एफ़ कोर मॉड्यूल्स और सब वर्क फ्लोज के प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के साथ करा था कल यानी तीसरे सेशन में हमने नेक्स्ट फ्लो के कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार देखा था इस बार हमने स्टार्ट करा था डिपेंडेंसीज़ और कंटेनर्स के साथ जिसमें हमने खुद का एक कंटेनर बनाया था और जो आर सीख की जो स्क्रिप्ट हैं उनमें से एक में वो कंटेनर यूज़ करा था इसके बाद हमने चैनल्स प्रोसेस और ऑपरेटर्स के बारे में फिर से देखा था और उन्हें इन डेप्थ कवर करने की पूरी कोशिश करी थी इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो हमने ग्रूवी और मॉडुलराइजेशन के बारे में देखा था मॉडुलराइजेशन जो है जो हमने कल कवर करा था उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है सेशन दो के आखिरी मॉड्यूल से जो कि है एन एफ को मॉड्यूल्स और सब वो क्लोज आज हम चौथे सेशन में नेक्स्ट फ्लो की पाइपलाइंस की कन्फिग्रेशन के बारे में देखेंगे इसके साथ हम देखेंगे कि अगर आप उसे दूसरी दूसरे इन्वामेंट्स में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको मिनिमल चेंजेस क्या करने होंगे और आप डिज़ाइन कंसिडरेशन्स क्या आ, क्या ध्यान में आपको रखनी चाहिए इसके साथ हम कवर करेंगे नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइंस को ट्रबल शूट करना जिसमें हम कैशिंग और रिज्यूमेबिलिटी के बारे में देखेंगे और ट्रबल शूटिंग के बारे में देखेंगे इसके साथ हम आज के फाइनल सेशन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है नेक्स्ट फ़्लो टावर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं टावर को यूज़ करके कि आप अपनी टीम के साथ और अपने कोलाबरेटर्स के साथ कैसे ईजिली इन पाइपलाइंस को लेके कोलैबोरेट कर सकते हैं तो आइए इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई भी दुविधा है कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इन सब इन स्लैक चैनल्स पर हमें आ, अपने सवाल भेज सकते हैं हमारे वॉल्टियर्स पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें आ, हमारे वॉल्टियर्स इन सारे चैनल्स पर अवेलेबल uh, होंगे और आप चाहें तो हमें हिंदी में कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप इंग्लिश में टेक्निकल कम्युनिकेशन को लेकर uh, ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप हमें उस चैनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसके साथ आइए शुरुआत करते हैं हम आज फिर से ट्रेनिंग डॉट के ट्रेनिंग मटेरियल को एक्सेस करेंगे और हम वहाँ से अपने सेशन uh, की शुरुआत करेंगे तो जब हम नेक्स्लो कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक फ़ाइल एक्सटेंशन से डील करते हैं जिसका एक्सटेंशन हमेशा होगा डॉट जब आप नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट का लॉजिक देखेंगे जब आप नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट को लिखेंगे या या रीड करेंगे उन फ़ाइल्स को तो ज़्यादातर उनका जो सब्फिक्स होगा वो होगा डॉट एन एफ़ तो डॉट एन एफ़ और डॉट कॉन्फिक फाइल्स जो हैं ये नेक्स्ट फ्लो की डिपॉजिटरी में आपको ज़्यादातर मिलेंगी तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट फ्लो जो है उस वो कन्फिग्रेशन के साथ कैसे डील करता है तो पहले कंसेपचुअली समझते हैं उसके बाद मैं आपको कुछ स्पेसिफ़िक टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा तो अगर आप इसे विजुअल फॉर्मेट में समझना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि जो पाइपलाइन का कोड है जो कि आपका डोमेन या बायोन्थेमेटिक्स का लॉजिक कैप्चर करता है कि अब आपको टूल वन के बाद टूल नंबर टू को चलाना है या टूल नंबर थ्री को चलाना है तो वो जो लॉजिक है उसे हम कहते हैं पाइपलाइन कोड और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लॉजिक है उसे हम कहीं वो हम कैप्चर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर जब नेक्स्ट फ्लो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो नीचे से ऊपर तक जाता है इसका मतलब पहले वो जो पैरामीटर की वैल्यूज़ हैं या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यूज़ हैं एग्जीक्यूटर से रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो सब रिजॉल्व करेगा उसके बाद उसको मद्देनज़र रखते हुए वो पाइपलाइन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा इसलिए ये एक टू लेयर प्रोसेस है दो लेयर का प्रोसेस है और जो पहली लेयर है उसे हम कहते हैं कन्फिग्रेशन लेयर तो अब अगर आप कन्फिग्रेशन के ट्यूटोरियल पेज पर वापस जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है नेक्स्ट फ्लो जो है फ्लो की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल आपको नेक्स्ट फ्लो डॉट नाम से मिलेगी लेकिन शायद आप याद कर सकें कि जो सेकंड सेशन था हमारा उसमें हमने एनएफ कोर की कॉन्फ़िगरेशन एन एफ़ कोर की आर एन एस पाइपलाइन डाउनलोड करी थी लोकली ऑफलाइन यूज़ के लिए और उसके उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस uh, थी जो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर कन्फिग्रेशन हैं एन एफ कोर के अंदर वो भी हमने साथ में डाउनलोड करी थी तो हमने देखा था कि जैसे एज योर बैच के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है चांद के लिए एक है ए डब्ल्यू एस बैच के लिए कॉन्फ़िगरेशन है गूगल बैच के लिए है और हर एक इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से एक कॉमन कन्फिग्रेशन बनाई और एन एफ कोर में कंट्रीब्यूट करी हुई है तो uh, उसके साथ साथ एक नेक्स्ट फ्लो डॉट फाइल भी थी जो कि बाकी सारी कॉन्फिग्रेशन फ़ाइल्स को इम्पोर्ट करती है तो आप ये समझ सकते हैं कि कन्फिग्रेशन की लेयर्स हैं जो जो फाइनल लेयर है वो और जो मेन मेन फाइल है वो है नेक्स्ट डॉट ये फ़ाइल ख़ुद में बाकी कन्फिग्रेशन फ़ाइल्स को इंपोर्ट कर सकती है इसका मतलब आ, आप अगर नेक्स्ट फ्लो को नेक्स्ट फ्लो डॉक्यूमेंटेशन को देखें जो कॉन्फ़िगरेशन का पेज है हम उसे खोल लेते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं कि जो हायर है इस कनफिगरे इन कन्फिग्रेशन की लेयर को रिजॉल्व करने की वो ऐसी है और ये प्रा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो है पैरामीटर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद जो है पैराम फाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी उसके बाद जो है जो आपकी होम डॉट नेक्स्ट फ्लो लेवल पर कॉन्फ़िग फाइल है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी तो इसका मतलब आप यहाँ पे कोई वैल्यू सेट कर सकते हैं या यहाँ पर सेट कर सकते हैं और अगर आप उसे यहाँ इस लेवल से इस लेवल से ओवर करते हैं तो यह वैल्यू मानी जाएगी उस पाइपलाइन को रन करने के समय इसके साथ हमने जैसे कन्फिग्रेशन फाइल्स की हेरार्की की बात करी अब मैं जल्दी से इस बारे में बात करना चाहता हूं ये जो एक तरह से हमारा नोट है इस नोट में हम हमने ये हाईलाइट करने की कोशिश करी है कि एक अगर आपके पास कोई भी पाइपलाइन है जो आप जिसका आप पाइपलाइन का लॉजिक चेंज नहीं करना चाहते आप उसे रन कर सकते हैं एक कस्टम कन्फिग्रेशन के फात के साथ तो इसका मतलब है कि आप डायनामिकली एक कन्फिग्रेशन को इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी पाइपलाइन में तो अभी हम इसके बारे में और देखेंगे लेकिन मैं फिलहाल के लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ ओवर राइड कर कन्फिग्रेशन ओवर राइड करने के आपके पास दो तरीके हैं ये जो तरीका है माइनस स्मॉल सी उसे हम कहते हैं सॉफ्ट ओवर और एक और तरीका है माइनस कैपिटल सी जिसे हम कहते हैं हार्ड ओवर तो जैसे ये सॉफ़्ट कन्फिगरेशन ओवर है तो आप इसे अपनी खुद की एक कन्फिगरेशन फाइल बना सकते हैं जिसे आप किसी भी रन कमांड के साथ या किसी भी पाइपलाइन के साथ यूज कर सकते हैं अगर आप हार्ड कन्फिग्रेशन को देखें इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट फ्लो को ये बता रहे हैं कि जो भी कन्फिगरेशन आप खाली एक फ़ाइल में बता रहे हैं खाली वो ही कंसिडर हो और कुछ कंसिडर ना हो तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है हो सकता है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा हो क्योंकि आप नेक्स्ट फ्लो को ये बोल रहे हैं कि वो किसी भी हायर को फॉलो ना करें वो बस खाली इस फाइल को कंसिडर करे और इसके अलावा और किसी कन्फिगरीशन फ़ाइल को कंसिडर ना करे तो आइए वापस चलते हैं ट्यूटोरियल टुटो, डॉक्स की तरफ और देखते हैं कन्फिगरीशन सिंटैक्स तो शायद आपको याद हो हमने जब भी कन्फिग्रेशन फ़ाइल का सिंटैक्स कन्फिग्रेशन फ़ाइल में चेंजेस करे थे तो हम इक्वल टू साइन का यूज़ करते हैं जैसे अगर मैं आपको इस किटपॉड में दिखाऊं अगर मैं रीलोड करूं मैंने ये स्टार्ट करा है हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन uh, जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के कॉन्फ़िगरेशन uh, फ़ाइल के अंदर फील्ड्स को ओवर कैसे कर सकते हैं तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं मेरा गिड पॉड पूरी तरह से रेडी है लेकिन अगर आपके साथ भी आ, आपका गिट पॉड इंस्टेंस रेडी होने में थोड़ा टाइम ले ले रहा है तो आप हमेशा नया इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं आपको बस ट्रेनिंग मटेरियल के इन्वायरमेंट सेटअप पर जाना है और उस पेज पर इस लिंक पर इस लिंक को इस आइकन को क्लिक करना है और आपके लिए एक नया गिट पॉड इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए तो चलिए गिटपॉड की तरफ चलते हैं हम इन चीज़ों को बंद करेंगे अभी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है हमें बस डॉट कॉन्फ्लिक फाइल को खोलने की ज़रूरत है तो अभी हम ये देख सकते हैं कि अगर आप कन्फिक कॉन्फ्क फाइल के अंदर किसी भी चीज़ को ओवर ओवर राइट करना चाहते हैं या फिर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप इक्वल टू साइन का यूज़ कर सकते हैं अब एक बार ये देख लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से स्कोप्स अवेलेबल हैं uh, ये हमने पहले भी एक सेशन uh, में कवर करा था आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि कन्फिग्रेशन फाइल्स के बारे में जो सिंटैक्स है और जो इंक्लूड करने का सिंटैक्स है वो सब हमारे रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में मैंशनड है और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं स्कोप को तो उसको समझने के लिए आपको कन्फिग्रेशन फ़ाइल के स्कोप uh, के पेज के स्कोप्स वाले मेन्यू को पूरी तरह एक्सपेंड करना होगा तो आप देख सकते हैं कि इस कन्फिग्रेशन फ़ाइल जो है उसके अंदर बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं और हर एक स्कोप के कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप सेट कर सकते हैं जैसे डॉकर इनेबल्ड हो गया या फिर डॉकर लेगेसी सूडो टेम्प रिमूव ये सारे हमारे uh, वेरिएबल्स uh, हैं एक डॉकर स्कोप के अंदर जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कन्फिग्रेशन फाइल में तो आइए देखते हैं डॉकर इनेबल uh, को फिर से लिख को डॉकर इनेबल वेरिएबल को अब हम इनेबल कर देते हैं इसे और पोर्ट्स की साइड को बंद करके हम इस एरिया को बड़ा कर सकते हैं हमारे टर्मिनल के एरिया को अब हम इसे रन करेंगे नेक्स्ट फ्लो रन देखते हैं हम चाहें तो खाली हेलो स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं और क्योंकि अब हमने डॉकर को इनेबल कर दिया है नेक्स्ट फ्लो उस स्क्रिप्ट को इस कंटेनर के अंदर रन करेगा तो कंटेनर कंटेनर स्टार्ट होगा उसके आ, साथ ये उ, उसके अंदर आ, ये हमारा फाइल सिस्टम लोड होगा ताकि वो आपकी नॉर्मल फाइल्स पे ऑपरेट कर सके और जैसे ही वो ऑपरेट कर सकेगा उसके बाद कंटेनर बंद करके अब आप फ़ाइल सिस्टम पे अपना जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे आ, अगर आप इन सेटिंग्स को, को बंडल करना चाहें ताकि रीडेबिलिटी में की मदद हो तो आप जो है ऐसे करके बंडल भी कर सकते हैं आ, एक स्कोप के अंदर उसकी सेटिंग्स को तो आप अगर देखना चाहें कि और कौन कौन से स्कोप्स अवेलेबल हैं तो आप इस लिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं हमने मेल स्कोप को देखा है पहले हमने एग्जीक्यूट स्कोप को देखा है डॉकर स्कोप को देखा है कौंडा स्कोप को देखा है और प्रोसेस स्कोप को भी देखा है पहले लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्कोप्स अवेलेबल हैं जैसे हमने पैरामीटर स्कोप्स को भी देखा है ऐसे ही नोटिफिकेशन स्कोप भी अवेलेबल है और इन्वामेंट स्कोप है और डैग स्कोप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लो का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए तो अब हम अपने डॉक्यूमेंट अपने ट्यूटोरियल की तरफ वापस चलते हैं और और देखते हैं कि हमें हाँ हम किस स्कोप को रेलिवेंट किस स्कोप में रेलिवेंट वेरिएबल इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं तो देखिए अगर मैं ये बताऊँ आपको आ, कि कॉन्फिग फाइल जो है डिक्लेरेटिव uh, है इसका मतलब ये है कि आपको uh, बहुत सारा लॉजिक ऐड नहीं करना आपको बस नेक्स्ट फ्लो को ये बताना है कि डॉकर है उसे इनेबल करना है आपको ये नहीं बताना कैसे इनेबल करना है तो वो सब जो uh, वो सब जो uh, काम है वो नेक्स्ट फ्लो अपने आप करता है और अगर वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इन सेटिंग्स को देखेगा नेक्स्ट फ्लो जो है जो भी काम करना पड़ेगा उन सेटिंग्स को इन्फोर्स करने के लिए नेक्स्ट फ्लो वो काम करेगा एक डॉट कॉन्फेक् फाइल जो है खुद में एक स्क्रिप्ट की तरह है तो उसके अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं उसके साथ आप उसमें कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कॉमेंट इसके साथ साथ जो स्कोप्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया नेक्स्ट फ्लो के रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन में वो स्कोप्स आप यूज़ कर सकते हैं तो एक पैरामीटर्स का स्कोप है आप उस पैरामीटर्स के स्कोप को यूज़ कर कर अपने अपनी, अपनी पाइपलाइन को वो पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो आइए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में दो पैरामीटर्स ऐड करते हैं ताकि हम जो प्रायोरिटी लिस्ट है और जो कॉन्फ़िगरेशन रेजोल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा और देख सकें अब हम हेलो स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करेंगे और उसको सब उसका सब कंटेंट रिप्लेस कर देते हैं तो आइए ये देखते हैं कि अभी हमारा सिचुएशन क्या है हमारी सिचुएशन क्या है पहला पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये हेलो डॉट एन एफ पाइपलाइन के अंदर या स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास पैराम्स दो पैरामीटर्स हैं लेकिन इन दोनों पैरामीटर्स को हमने एक कॉन्फ़िगरेशन uh, फ़ाइल के अंदर भी स्पेसिफाई करा है तो असल में हमारा हमारा सवाल यह है हमें यह देखना है कि किस किस पैरामीटर को नेक्स्ट फ्लो ओवरऑल प्रायोरिटी देता है तो आइए इसे रन करते हैं या हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा या तो बोनजोर लेमोन तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बोनजोर लेम प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ ये इसलिए है क्योंकि जो डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर पैरामीटर्स हैं उनकी प्रायोरिटी जो स्क्रिप्ट के अंदर आपने पैरामीटर्स लिखे हैं उससे ज़्यादा है तो हमने ये टॉपिक जो है कल भी देखा था आ, लेकिन आज जो है हम इसे आ, एक बार फिर से टच कर आ, फिर से टच करते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यह याद दिलाना चाहूँगा कि इस पूरी ट्यूटोरियल तुट, टुटोरियल डॉक्यूमेंटेशन में हमने एक्सरसाइजेज़ ऐड करी हैं अगर आप इस वीडियो को पॉज करके एक्सरसाइजेस करना चाहें ताकि आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें ये बहुत ही बढ़िया होगा तो चलिए हम एक कन्फिक् स्कोप को देखते हैं जिसका नाम है ई ENV, जो इन्वायरमेंट स्कोप है इसका मतलब यह है कि आप अपने नॉर्मल टर्मिनल इन्वायरमेंट में कुछ वेरिएबल हो सकता है ना रखना चाहें लेकिन कुछ वेरिएबल्स हो सकता है कि आप अपने इन्वायरमेंट में में तभी रखना चाहें जब नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन रन होती है तो नेक्स्ट फ़्लो एक कन्फ्य स्कोप का यूज़ करता है जिसका नाम है ई और जैसे ही आप वहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स पेस्ट करते हैं अब ये वेरिएबल्स जब आप नेक्स्ट फ़्लो स्क्रिप्ट को रन करेंगे उसके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगे तो आइए देखते हैं हमें स्क्रिप्ट में क्या कंटेंट चाहिए हम इस स्क्रिप्ट के कंटेंट को कम्प्लीटली ओवर करते हैं और उसके बाद वापस जाकर इन दोनों इन दोनों लाइंस को कमेंट आउट करते हैं ताकि हम देख सकें कि बिना एन स्कोप के क्या बिहेवियर है इस स्क्रिप्ट का एक्ो हमारा जो है डेप्लिकेट हो चुका है तो उसकी जगह हम डीबक करते हैं और एक बार फिर से रन करते हैं रिज़ल्ट सेम आएगा लेकिन मैं बस वो वार्निंग हटाना चाहता था तो देखिए इस बार जो है हमारे पास वार्निंग नहीं है लेकिन एरर मैसेज सेम है तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एरर मैसेज हमें ये बता रहा है कि हमारे पास वो टूल नहीं है या तो ई ग्रैप चेक करते हैं कि हमारे पास ये टूल है कि नहीं हम असल में इस कमांड को डायरेक्टली यहाँ पर भी रन कर सकते हैं देखने के लिए कि इसका क्या बिहेवियर है तो ये कमांड रन होती है और अगर हम अपने एनवायरमेंट वेरिएबल में इन्वायरमेंट स्कोप में इन दोनों पैरामीटर्स को इनेबल करते हैं इस बार अगर हम इसे रन करें इस पाइपलाइन को और स्क्रिप्ट को तो देखते हैं कि इस बार क्या बिहेवियर है देखिए इस बार हमारी स्क्रिप्ट अच्छे से एग्जीक्यूट होती है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी हेलो की स्क्रिप्ट है वो अल्फ़ा और बीटा को हमारे स्क्रिप्ट के एनवायरनमेंट में सर्च करता है जब उसे नहीं मिलता तो ये प्रोसेस फेल होता है तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्फ़िग uh, फाइल का ई एन वी स्कोप है वो कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के स्कोप uh, को स्क्रिप्ट uh, के रन टाइम पर तो अब इसके साथ हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी स्क्रिप्ट को कस्टम कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कैसे दे सकते हैं तो देखिए हम एक और कॉन्फिग हम एक और फाइल बनाएंगे यहाँ पर जहाँ पर हम बोलेंगे कस्टम डॉट config और उस फाइल के अंदर हम खाली एन वाले स्कोप्स को ओवर करेंगे ताकि हम देख सकें कि ओवरऑल चेंज क्या होगा अगर हम यहां पे कहें कस्टम अल्फा और हम यहां पर कहते हैं अगर कस्टम बेटा अब अगर हम इस नॉर्मल नेक्स्ट फ्लो जो हमारी स्क्रिप्ट थी नेक्स्ट फ्लो रन हेलो डॉट एन एफ अगर हम खाली वो यूज़ करें तो वो इस स्क्रिप्ट को रन करेगा लेकिन नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिक को यूज़ करेगा अगर हम उसे ओवर राइड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर या तो सॉफ्ट ओवर राइड को स्पेसिफाई करना है या तो या फिर हार्ड ओवर राइड को स्पेसिफाई करना है जब आप सॉफ़्ट ओवर राइड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को ही ओवर राइड करना चाहते हैं लेकिन बाकी सब जो उस कॉन्फ़िगरेशन में उस पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन में है आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो अगर हम अपना सॉफ्ट ओवर करते हैं यहाँ पर तो आइए देखते हैं कि हमारा ओवरऑल बिहेवियर क्या होगा तो उसके बाद में सॉफ्ट ओवर और और एक हार्ड ओवर का एक कंक्रीट एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ तो इसके हिसाब से हमारी फाइल यहाँ पर नहीं है custom. dot config एक बार यहाँ मैं ls करके देखता हूँ कि हमारी आ, हम मेरा मैंने नाम गलत दिया है तो आइए नाम करेक्ट करते हैं पहले इस फाइल का उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर अब मैं इसे रन करूँगा और इस बार जो है हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू नॉर्मल से डिफरेंट होगी मैं उस फाइल को यहाँ पर खोलना चाहता हूँ कस्टम कॉन्फ़िग कोड कस्टम कॉन्फ़िग तो अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे स्प्लिट करता हूँ और यहाँ नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फ़िग फाइल को खोलता हूँ तो नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ दी है वो हमने सॉफ्ट ओवर करी थी अपने कस्टम कॉन्फ़िग फाइल के साथ लेकिन अगर मैं हार्ड ओवर कर, करता हूँ माइनस स्मॉल सी की जगह मैं कैपिटल सी यूज करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होगा थोड़ा सा मैंने बड़ा करा है स्क्रीन तो देखिए इस बार जो है हमारा पूरा प्रोसेस फिर से रन हुआ और हमारा इस बार भी बेटा uh, और कस्टम बेटा और कस्टम अल्फा प्रिंट हुआ क्योंकि इस केस में हमने डॉकर का कहीं इस्तेमाल नहीं करा है लेकिन अगर हम डॉकर uh, को यूज़ करना चाहते हैं इसे खाली कंटेनर के अंदर रन करना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा चलिए मैं आपको ये दूसरी स्क्रिप्ट में दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं लेकिन uh, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो कि है नेक्स्ट फ्लो कॉन्फिग स्कोप कमांड uh, तो अगर आप इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ये दे सकते हैं कि जो रिजॉल्व कन्फिग्रेशन है वो कैसे दिखेगी uh, क्योंकि मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पर दो डॉट कॉन्फिग फाइल हैं एक नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिग है एक कस्टम डॉट कॉन्फिग है इसका मतलब यह है कि अगर मैं नेक्स्ट फ्लो डॉट नेक्स्ट फ्लो कॉन्फ्क्ट टाइप करता हूँ कॉन्फ्लिक कमांड का यूज़ करता हूँ तो मैं ये देख देख सकूँगा कि जो अभी रिज़ोल्व कन्फिग्रेशन है वो कैसी है ये देखिए यहाँ पर रिज़ोल्व कन्फिग्रेशन में मुझे ये बता रहा है नेक्स्ट फ्लो कि उसमें अल्फा और बीटा की ये वैल्यू है लेकिन अगर आप इस कन्फिगरीशन इस कस्टम कॉन्फ्लिक को इस फाइल में इंक्लूड करें कस्टम डॉट कॉन्फिक तो आइए आप देखते हैं कि हमारी जो रिजॉल्व कन्फिग्रेशन है वो कैसे आएगी इस बार आप देख सकते हैं कि हमारे रिजॉल्व कन्फिगरीशन के अंदर कस्टम अल्फ़ा और कस्टम बीटा आया है ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी वो इस इंक्लूड के थ्रू हमने ओवर कर दी है तो नेक्स्ट फ्लो कॉन्फिग कमांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको अपनी कन्फिग्रेशन को अच्छे से समझना है तो उसके बारे में और भी हमने इन्फॉर्मेशन बताई है वो है नेक्स्ट फ्लो सी के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो आइए वापस हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कॉन्फ़िग प्रोसेस की तो uh, हमारी जो हमने इस फील्ड को uh, इस कोड को कॉपी करा और अगर हम वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके देखें तो जो पहला पहली लाइन है उसके अंदर हमने कंटेनर के बारे में बताया है जो कि Uh, हमने स्पेसिफाई करा है अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ और खाली प्रोसेस को ऐसे प्रोसेस स्कोप के अंदर मैं सी पी यूज़ मेमरीज और कंटेनर को स्पेसिफाई करता हूँ तो आइए देखते हैं हमारा प्रोसेस uh, हमारी स्क्रिप्ट का क्या बिहेवियर होगा क्योंकि प्रोसेस के अंदर मैं बहुत सारे डायरेक्टिव्स ऐड कर सकता हूं जो कि हमने uh, प्रोसेस के पेज पर देखा था और प्रोसेस अगर आप यहाँ क्लिक करें तो आपको नेक्स्ट फ्लो ये बताएगा कि एक डायरेक्टिव की जो कंप्लीट लिस्ट है वो आपको प्रोसेस के पेज पर मिलेगी और आप वहाँ सर वहाँ पर जो भी प्रोसेस आप यूज़ करना चाहते हैं जो भी डायरेक्टिव यूज़ करना चाहते हैं उस प्रोसेस में ऐड कर सकते हैं तो देखिए अब जो है यहाँ पर इतनी जल्दी से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ क्योंकि वो कंटेनर नेक्स्ट फ़्लो डाउनलोड कर रहा है जैसे ही डाउनलोड होगा नेक्स्ट फ्लो उस कंटेनर को 10 सी देगा और 8 जी बी मेमरी देगा और लिमिट करेगा कि वो इससे ज़्यादा यूज़ ना करें तो देखिए इस बार जो है हमारा एग्ज़ीक्यूशन हो गया है कम्प्लीट पहले की तरह लेकिन इस बार हमारा डॉकर का जो कंटेनर है वो दूसरा कंटेनर था और हमने दस सी और आठ मेमरी आठ जी मेमोरी का इस्तेमाल करा Uh, आप ये सेम इन्फॉर्मेशन जो है अपने प्रोसेस के अंदर भी रख सकते हैं जैसे यहाँ पर है लेकिन आपको सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा जैसे हमने बात करी थी पहले आपको ये इक्वल टू साइन हटाना होगा यहाँ से uh, इधर से हटाया इधर से हटाया और इधर से हटाया और अगर आप अब इस फी इस इन तीनों चीज़ों को यहाँ से हटा दें तो वो भी बराबर है इसका मतलब है कि आप नेक्स्ट फ्लो के अंदर आ, प्रोसेस लेवल के पे भी अपनी कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि अब जो है आपके प्रोसेस के अंदर ये ये जो तीन चीज़ें मेंशन हैं इन्हें ओवरराइट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो नेक्स्ट फ्लो का ओवरराइट राइट है वो कॉन्फिग फाइल के साथ काम करने के लिए डिज़ाइंड है वो एक हद तक प्रोसेस के साथ भी काम करता है लेकिन जब आप आ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन के कोड को अलग अलग रखना चाहते हैं तो ये बेहतर है कि आप जो पाइपलाइन का कोड है उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें ना लिखें सबसे बेहतर यह है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के कन्फिग्रेशन फाइल के अंदर ही कवर करें तो आइए अब हम एक जल्दी से जल्दी से एक और प्रोसेस एक और प्रोसेस के फीचर के बारे में बात करते हैं जो कि है प्रोसेस सेलेक्टर तो प्रोसेस सेलेक्टर जो है वो बहुत ही काम का फीचर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं इस सिंटैक्स के साथ तो अब हम वापस अपनी कन्फिग्रेशन फाइल में जाएँगे और हम ये कहेंगे कि प्रोसेस का जो स्कोप है उस स्कोप के अंदर जो फू नाम उस स्कोप के अंदर जो भी फू नाम का प्रोसेस होगा उसमें हम चार सीपीयू यूज़ करना चाहते हैं सॉरी चार जी बी यूज़ करना चाहते हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीपीयूज अभी के लिए अगर हम इसे थोड़ा सरल बनाएं तो हम खाली ये भी कह सकते हैं कि चार जी बी यूज़ करना चाहते हैं लेकिन जो भी अगर इस पाइपलाइन में हम एक और प्रोसेस डिफ़ाइन कर रहे हैं यहाँ पर मैं इन चीज़ों को हटा दूँगा यहाँ से और इस पाइपलाइन के अंदर मैं एक और प्रोसेस डिफ़ाइन करना चाहता हूँ जो खाली एक हेलो प्रिंट करेगा और अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के साथ इस प्रोसेस का नाम भी अलग होना चाहिए तो मैं वो भी अलग करूँगा हाँ तो हमारा ये प्रोसेस वन हो गया प्रोसेस फू प्रोसेस टू हो गया प्रोसेस बार अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोसेस वन जो है प्रोसेस फू जो है वो चार जी बी मेमोरी के साथ रन हो और जो प्रोसेस बार है वो दस जी बी के साथ रन हो तो मैं वो भी इस प्रोसेस सेलेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट फ्लो को बता सकता हूँ नेक्स्ट फ्लो में दो तरह के प्रोसेस कलेक्ट सेलेक्टर हैं जो पहला है प्रोसेस uh, पहला है विथ नेम दूसरा है विथ लेबल इनके बारे में हमने और भी इंफॉर्मेशन दी है हम uh, उस इंफॉर्मेशन को हमारे प्रोसेस की डेफिनेशन uh, में देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन uh, फ़ाइल uh, के अंदर प्रोसेस में देख सकते हैं जैसे यहाँ पर है प्रोसेस सेलेक्टर विथ लेबल तो आप हर एक प्रोसेस को एक लेबल भी दे सकते हैं और आप नेक्स्ट फ्लो कन्फिग्रेशन में ये बोल सकते हैं कि उस लेवल के जितने भी प्रोसेस हैं उन सब को नेक्स्ट फ्लो एक अगर आप एच में काम कर रहे हैं तो एक क्यू में भेजें या फिर दूसरी क्यू में भेजें या फिर तीसरी क्यू में भेजें तो ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप आ, बिना पाइपलाइन के कोड को चेंज करें अपने कन्फिग्रेशन के थ्रू अपने एक किसी भी पाइपलाइन को अपने इन्वायरमेंट में रन कर सकें तो आइए अब हम वापस अपने प्रोसेस अपने स्क्रिप्ट में चलते हैं और इसे लेबल देते हैं लेबल लो सीपीयू या हाई मेमोरी कितने भी लेबल आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर लो सीपीयू और जब आप अपने प्रोसेस uh, सेलेक्टर्स को डिजाइन कर रहे हैं उसमें हर एक लेबल के साथ आप एक स्पेसिफिक डायरेक्टिव uh, को एसोसिएट कर सकते हैं जो कि आप यूज़ uh, करना चाहते हैं उस प्रोसेस के साथ अगर मैं यहाँ कहूँ लेबल हाई सी तो यहाँ पर सी पी यू ऐसे करके आप अपने प्रोसेस को कस्टमाइज कर सकते हैं कन्फिग्रेशन फाइल के थ्रू तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं uh, कुछ प्रोसेस सेलेक्टर्स जो हैं uh, या कुछ डायरेक्टिव्स हैं सॉरी उनका Uh, उनका जो इनपुट है आप मैप के थ्रू दे सकते हैं मैप्स हमने कल ग्रूवी के सेक्शन में कवर करा था तो मैप्स का भी इस्तेमाल जो है नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट और कॉन्फिगरे कॉन्फिग्रेशन फाइल के अंदर हो सकता है ऐसे ही जो हमारा डॉकर का कन्फिग्रेशन स्कोप है उसमें भी हम हम सिमिलर ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं uh, तो जो भी आप कन्फिग्रेशन स्कोप कन्फिगरीशन की डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे उन सब का बिहेवियर इसी हिसाब से है और आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आइए अब हम देखते हैं कॉन्डा के स्कोप को आपको शायद याद हो कि हमने आ, पहली आ, हमने कल जो है जो हमारी स्क्रिप्ट नंबर टू है उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉन्डा इन्वायरमेंट बनाया था और उस इन्वायरमेंट के साथ हमने स्क्रिप्ट को रन करा था तो हम उस आ, उस स्क्रिप्ट का एक स्पेसिफिक कॉन्डा इन्वायरमेंट बनाकर अपने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के अंदर भी उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आप कहें कि आ, जो फ़ू नाम के प्रोसेस हैं खाली वो इस इन्वायरमेंट के साथ रन होने चाहिए फू प्रोसेस या फिर अगर आप कहें कि जो बार नाम के प्रोसेस हैं खाली वो ही इस फू बा, या बार प्रोसेस के साथ रन होने चाहिए तो आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं प्रोसेस सेलेक्ट का इस्तेमाल करके अगर आप डिफॉल्ट डिफाइन करना चाहते हैं कि अगर उस किसी प्रोसेस में या तो लेबल डिफाइन नहीं है या फिर उसका नाम लेके कि किसी ने स्पेसिफाई नहीं करा तो आप डिफॉल्ट वैल्यूज़ भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं तो इस हिसाब से आप आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ जब आप फ्लो पाइपलाइंस को आ, अपने आ, एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज uh, होनी चाहिए जैसे uh, जैसे कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है कि वो एच पी ऑर्केस्ट्रेटर हो या फिर वो एक सर्वर इन्वायरमेंट हो या फिर वो एक क्लाउड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट हो या फिर कोब इनटिन्वायरमेंट हो नेक्स्ट uh, फ्लो जैसे हमने बात करी थी नेक्स्ट फ्लो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर को पाइपलाइन के लॉजिक से अलग रखने की एबिलिटी हमें देता है और अगर हमने पाइपलाइन को अच्छे से डिज़ाइन करा है या फिर हम कोई स्टैंडर्ड बेट बेस्ट प्रैक्टिस पाइपलाइन यूज़ करते हैं जैसे एन कोर की पाइपलाइन तो हमें खाली कन्फिग्रेशन फाइल में ही चेंज करने की ज़रूरत है आ, ना कि पाइपलाइन के लॉजिक में तो जब आप अपने इन्वायरमेंट में पाइपलाइन को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आ, आप जो है एग्जीक्यूटर को स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरह का एग्जीक्यूटर है आपके पास नेक्स्लो जो है बहुत सारे बैच एग्जीक्यूटर्स को बैच स्डूलर्स को सपोर्ट करता है जैसे कि अगर आप इस लिस्ट पे जाके देखें तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी यहाँ पर जैसे ए डब्ल्यू एस बैच एचर बैच ब्रिज जी ए फोर जी एच क्लाउड बै गूगल क्लाउड बैच गूगल लाइफ साइंस हैपर क्यू ऐसे करके बहुत सारे एग्जीक्यूटर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि अगर आप खुद की पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं या फिर एक स्टैंडर्ड पाइपलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो उसे अपने इन्वायरमेंट में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं तो जैसे कि हमने देखा पहले कि नेक्स्ट फ्लो जो है पाइपलाइन का लॉजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कन्फिग्रेशन है वो सेपरेट रखने में हेल्प करता है इसका फ़ायदा यह है कि आप अपनी जो पाइपलाइन का लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर लोकल लैपटॉप पर लेकिन जब आप रेडी हैं पूरे फुल फ्लैज एनालिसिस के लिए तब आप उसे अपने क्लस्टर या फिर क्लाउड इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर सकते हैं आ, इसका आपको बेनिफिट ये है कि आ, आपको जो है रिसोर्स हैवी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है नेक्सलो पाइपलाइंस के साथ काम करने के लिए आप एक सिंपल छोटे लैपटॉप के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और जब आप आ, अपनी पाइपलाइन को दूसरे इन्वायरमेंट में रन करने के लिए रेडी हैं आपको कन्फिग्रेशन फाइल में सिर्फ एक लाइन का चेंज करना है और आपकी पाइपलाइन उस इन्वायरमेंट में रन नेक्स्ट वो कर देगा अगर आप आ, जानना चाहते हैं कि कौन कौन से क्लस्टर के रिसोर्सेज हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं कन्फिग्रेशन से सो so, तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कुछ डायरेक्टिव्स हैं प्रोसेस के अंदर जो कि आप पर एग्जीक्यूटर कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे क्यू सी पी यूज़ मेमोरी टाइम डेस्क तो ये सारी चीज़ें आप आ, या तो प्रोसेस अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट फ्लो कन्फिक फाइल के अंदर के चेंजेस की तो ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस में एज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर सकते हैं जो कि हर प्रोसेस में अप्लाई होगा या फिर आप जो है आ, अगर हम थोड़ा नीचे जाएँ इधर तो आप हर प्रोसेस के आ, प्रोसेस सेलेक्टर का यूज़ करके हर एक प्रोसेस के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रिसोर्सेज स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने विथ नेम प्रोसेस सिलेक्टर का यूज़ करा और हम बोल रहे हैं नेक्स्लो को कि जो भी हमारे प्रोसेस हैं जिनका नाम फू है उन्हें दो सी प्रोवाइड करें उनके लिए ट्वेंटी जी बी मेमोरी एलोकेट करे और उन्हें शॉर्ट क्यू में सेंड करे ऐसे ही विथ नेम बार प्रोसेस के लिए लेकिन अग जो जो प्रोसेस हैं जो हमने स्पेसिफिकली सिलेक्ट नहीं करे हैं उन सब के लिए डिफॉल्ट ये वैल्यूज होंगी ऐसे ही आप नेम के साथ साथ लेबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले देखा था पिछले वीडियो में तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेक्स्ट फ्लो कन्फिग्रेशन में और यहाँ पर बस एग्जीक्यूटर का नाम हमें बदलना होगा अब अगर आप चाहें तो नेक्स्ट फ्लो का जो हेड जॉब है उसे भी अपने क्लस्टर में सबमिट कर सकते हैं क्योंकि जो लॉग इन नोड होता है ज़्यादातर उस पर लिमिटेशंस होती हैं और उसको हम यूज़ नहीं करना चाहते नेक्स्ट फ्लो के लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तो उस केस में आप नेक्स्ट फ्लो की जो हेड जॉब है उसे क्लस्टर जॉब की तरह सबमिट कर सकते हैं और जैसे इस केस में हम स्लम बैच कंट्रोलर जॉब कंट्रोलर जॉब के के लिए सॉरी uh, ये हेडर्स uh, ऐड करते हैं स्क्रिप्ट में और स्क्रिप्ट uh, को लॉन्च कर देते हैं एस बैच टूल के साथ जिसकी वजह से हमारी जो नेक्स्ट uh, फ्लो का जो ट्रिगर प्रोसेस है नेक्स्ट फ्लो रन जो कमांड है वो रन होती है एक जॉब के अंदर ना कि लॉग इन नोट में uh, इसके साथ साथ अगर आपको और भी ट्रिक्स और टिप्स जाननी है नेक्स्ट फ्लो को एच पर चलाने के लिए तो आप हमारी दो ब्लॉग पोस्ट का रेफर कर सकते हैं और uh, इसके साथ साथ अगर आप क्लाउड में भी अपनी पाइपलाइन पाइपलाइन को टेस्ट करना चाहते हैं या फिर आ, आपके पास मल्टीपल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट्स हैं तो आप एक स्पेसिफ़िक फ़ीचर का यूज़ कर सकते हैं जो कि है कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल तो आप प्रोफाइल को ऐसे मान सकते हैं कि आ, एक प्रोफाइल एक जो है आपका एलियस है कुछ सेटिंग्स के लिए जो कि एक इन्वायरमेंट के लिए करेक्ट है या वैलिड है जैसे जो स्टैंडर्ड है वो डिफॉल्ट होता है नेक्स्ट फ्लो के लिए तो अगर आप आ, कोई भी कस्टम कोई भी प्रोफाइल इन्वोक नहीं करते तो नेक्स्ट फ्लो अपने आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल के साथ रन करेगा लेकिन अगर आप क्लस्टर प्रोफाइल या क्लाउड प्रोफाइल को इनमें से एक को इंक्लूड करते हैं या दोनों को इंक्लूड करते हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं है इस केस में आ, तो नेक्स्ट फ्लो इन दोनों सेटिंग्स को मर्ज करेगा उसके बाद एक फाइनल कन्फिग्रेशन को बनाएगा और उसके साथ रन करेगा अब Uh, बात आती है कि जो आपने कन्फिग्रेशन डिज़ाइन करी है क्या वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर ओवरलैपिंग है अगर ओवरलैपिंग है तो प्रॉब्लमेटिक uh, केसेस जो हैं अराइज़ हो सकते हैं क्योंकि जो आजमशन आपने अपने क्लस्टर प्रोफाइल में करी है हो सकता है वो क्लाउड में ना करी हो या फिर ओवर uh, राइड करी हो तो इसलिए बेहतर है कि आप प्रोफाइल्स को डिज़ाइन करें डेटा के परस्पेक्टिव से जैसे एन कोर में हमने टेस्ट प्रोफाइल uh, देखी और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हम चलते हैं एन एफ कॉर आर एन ए पाइपलाइन पर और मैं यहाँ पर आपको कुछ कन्फिग्रेशन फाइल्स दिखाता हूँ जो डेटा से रिलेटेड है और जो एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट से रिलेटेड है आइए देखते हैं हम कन्फिग्रेशन फोल्डर के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम आ, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टेस्ट प्रोफाइल है और टेस्ट कॉन्फ़िग है जिसके अंदर एक प्रोफाइल होगी टेस्ट नाम की एक टेस्ट फुल कॉन्फ़िग है तो अगर हम कोई भी इनमें से फाइल खोलें हम देख सकते हैं कि उसके अंदर हमने पैराम्स सेट करे हैं और प्रोसेस सेट करा है लेकिन अगर आप दूसरी फाइल खोलें जैसे टेस्ट फुल है उसमें हमने मेनली डेटा की चीज़ें बदली हैं ना कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेसिफाई करा है टेस्ट का मतलब है कि बस छोटा छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी रन हो सकता है लेकिन अगर आप चाहें तो टेस्ट फुल को भी देख सकते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हुआ है लेकिन मेजर गोल ये है कि हमारा जो है पूरी पाइपलाइन जो है बड़े डेटा सेट के साथ टेस्ट हो अब ये एन एफ़ कोर का पैटर्न है अगर आप अपनी कोई पाइपलाइन डिज़ाइन कर रहे हैं तो हो सकता है आप कुछ और पैटर्न चूज़ करें आ, लेकिन मैं बस आपको इनका आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप अपने पैटर्नस को बेस्ट प्रैक्टिस पे आ, के साथ डिज़ाइन कर सकें तो जैसे मॉड्यूल्स डॉट कॉन्फिक फाइल है इसके अंदर आप देखेंगे कि प्रोसेस पब्लिश टी आई आर सेलेक्ट करके पब्लिश टी आई आर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है Uh, हर एक प्रोसेस के लिए लेकिन आप प्रोसेस के हिसाब प्रोसेस uh, हर एक प्रोसेस के हिसाब से आप पब्लिश डीआईआर सेट कर सकते हैं तो ये ग्लोबल पब्लिश डीआईआर वैल्यू है और ये एक स्पेसिफिक और लोकल पब्लिश डीआईआर वैल्यू है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विथ नेम प्रोसेस सेलेक्टर यूज़ करके पब्लिश डी की वैल्यू सेट हुई है यहाँ पर ये फाइल बड़ी है तो इसके साथ आप अगर इसे इस्क्रोल करें तो इसे स्टडी भी कर सकते हैं प्रोसेस डी कॉमन है लेकिन हर एक मॉड्यूल के लिए आप कस्टमाइज़ uh, कर सकते हैं उसके आर्ग्यूमेंट्स को क्योंकि एन एफ़ के जो मॉड्यूल्स हैं वो uh, जितने ज़्यादा रीयूजबल हो सकते हैं उस हिसाब से डिज़ाइन करे गए हैं तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं uh, जैसे बेस हमारी जो कॉन्फ़िग फाइल है ये कॉन्फ़िग फाइल uh, हमारे लेबल्स को डिफ़ाइन करती है जैसे प्रोसेस सिंगल का लेबल जो है उसमें सी मैक्सिमम सी वन हो सकता है Uh, और मेमोरी मैक्सिमम सीपीयू पी जीबी सिक्स जी हो सकता है तो ये प्रोसेस सिंगल लो मीडियम हाई लॉन्ग हाई मेमोरी एरर इग्नोर एरर रिट्राई उनके बेसिस पर ये लेबल्स डिफाइन कर रहे हैं बेस कॉन्फ़िग में हर एक पाइपलाइन जो है एन एफ़ कोर की इनका इस्तेमाल करती है अब हम वापस चलते हैं अपने आ, आ, हमें एग्जीक्यूटर्स की बात करनी है मेरे को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक और प्रोजेक्ट एन एफ कोर का जो कि अगर आप शायद याद करें तो मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था दूसरे सेशन में सॉरी एन एफ कॉर कॉन्फिक्ट शायद उसका नाम कॉन्फिक्स है हाँ कॉन्फिक्स नाम है उस प्रोजेक्ट का तो इस प्रोजेक्ट के अंदर खाली कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो कि दिस आ, जो कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने कंट्रीब्यूट करी है एन एफ कोर प्रोजेक्ट के लिए तो जब एन एफ कोर पाइपलाइन रन होती है तो वो इन सारी कन्फिग्रेशन को इनेबल करती है तो अगर आप चाहें तो और जैसे मान लेते हैं आप कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो आप कैम्ब्रिज की प्रोफाइल डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं एन एफ कोर की पाइपलाइंस के साथ तो उसके अलावा आपको कुछ बहुत बहुत कुछ कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है आप इन पाइपलाइंस को देख सकते हैं स्टडी कर सकते हैं कि इनमें किस हिसाब से इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स डिज़ाइन करी हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इनका यूज़ करके आप अपने आ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल डिज़ाइन कर सकते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं अगर आप आ, हमारी ट्रेनिंग मटेरियल में एक सेक्शन स्पेसिफ़िक है क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए जिसमें हमने अभी ए डब्ल्यू एस पैच को कवर करा है तो अगर आपके पास ए डब्ल्यू एच पैच का एक्सेस है तो ये जो सेक्शन है आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है हम इसमें बात करते हैं कि अगर आप वॉल्यूम को माउंट्स करना वॉल्यूम्स को माउंट करना चाहते हैं अपने वर्कफ्लोज में तो कैसे कर सकते हैं कस्टम जॉब डेफिनेशन डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कस्टम इमेज ए सी टू इंस्टेंस की कैसे यूज़ करना चाहें तो वो भी डिफ़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर और लॉन्च टेम्पलेट भी डिफाइन कर सकते हैं इसके साथ साथ नेक्स्ट फ्लो का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो कि है हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट्स। तो हो सकता है कुछ प्रोसेस आप अपने लैपटॉप में रन करना चाहें कुछ प्रोसेस आप एक क्लस्टर में रन करना चाहें कुछ प्रोसेस आप क्लाउड में रन करना चाहें उस केस में जब आप अपने एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को हाइब्रिड uh, तरीके से डिप्लॉय करना आ, अपने पाइपलाइन को एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में हाइब्रिड तरीके से डिप्लॉय करना चाहें तो उसमें भी आप लेबल्स और नेम्स नाम के प्रोसेस सिलेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट फ्लो एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है और उसे आप बहुत सारे बहुत सारे इन्वायरमेंट्स में डिप्लॉय कर सकते हैं आ, लेकिन आप जिस भी इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करेंगे Uh, हो सकता है कि पाइपलाइन जैसे ही कंप्लीट होती है या अनसक्सेसफुली कंप्लीट होती है तो आपको जो है उसे डीपग और करने की ज़रूरत होगी या फिर उसे बस रिज़्यूम करने की ज़रूरत होगी कुछ कुछ केसेस में तो आइए हम देखते हैं कि रिजम्पन uh, और ट्रबल शूटिंग कैसे काम करता है तो हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चूँकि है कैश एंड रिज़्यूम नेक्स्ट फ़्लो की डिज़ाइन में कैशेबिलिटी और रिज्यूमेबिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है और आइए अब हम उसके बारे में कुछ आ, गहराई से जानते हैं तो नेक्स्ट फ़्लो जो है कैशिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है कैशिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जैसे ही आपने कोई पाइपलाइन रन करी नेक्स्ट फ्लो अपना एक डेटा बनाता है उस डेटा के अंदर वो ये देखता है कि जो प्रोसेस का ब्लू था उसे जब एक फ़ाइल या उसके इनपुट से कंबाइन करा तो उसका जो फिंगरप्रिंट बना जो नया टास्क बना वो कहाँ पे कहाँ पे रन हुआ और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा में सेव होती है तो अगर मैं आपको आ, ये डायग्राम दिखाऊँ हम आ, शायद आपको याद हो उससे कि हमने ये बात करी थी कि प्रोसेस जो है इन टास्क का टास्क वन टास्क टू और टास्क थ्री का एक तरह से ब्लूप्रिंट है और जब आप ये ब्लूप्रिंट का यूज़ करते हैं एक डेटा पॉइंट से कम एक डेटा इनपुट डेटा से कंबाइन करके ये ब्लूप्रिंट जो है एक स्पेसिफिक टास्क बनाता है तो हर एक टास्क का एक फिंगरप्रिंट है जो कि कैशिंग मैकेनिज्म में यूज़ होता है तो ये फिंग हर एक टास्क के लिए एक 128 बिट की हैश वैल्यू जनरेट होती है उसके एलिमेंट्स को जॉइन करके तो शायद आपको याद हो कि हमने बात करी थी कि कुछ सुपरफिशियल चेंजेस होते हैं नेक्स्ट फ्लो स्क्रिप्ट में और कुछ जो है कोर uh, चेंजेस हैं तो अगर आप जैसे पब्लिश डीआईआर ऐड करें किसी प्रोसेस में और रिज़्यूम करें पाइपलाइन को तो वो पूरी तरह से रिज्यूम होगी लेकिन अगर आप उस पाइपलाइन का कमांड स्ट्रिंग चेंज करें जैसे कि हमने करा था सिंपल आर एन ए पाइपलाइन की स्क्रिप्ट में फ़ास्ट क्यू को हमने uh, एक स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया था शेल uh, स्क्रिप्ट में और शेल स्क्रिप्ट को फास्ट क्यू के प्रोसेस में यूज़ करा था तो वो एक uh, इंपॉर्टेंट चेंज था कोर चेंज था इसकी वजह से फ्लो ने उस प्रोसेस को फिर से रन करा था आ, लेकिन जब हम खाली आ, टास्क की आईडी की बात करें तो टास्क की जो आईडी होती है जब आप फ्लो पाइपलाइन को रन करते हैं ये जो सेक्शन है इसे टास्क की आई कह सकते हैं आप तो हमने पहले ये देखा है कि इस टास्क की आई को आप एक आ, अगर आप यहाँ देखें चलिए एक प्रोसेस रन करके देखते हैं उसके बाद हम आई जनरेट कर लेंगे आई uh, डी को आई को यूज़ करेंगे वो उसकी वर्क डायरेक्टरी देखने के लिए तो ये हेलो प्रोसेस है हेलो स्क्रिप्ट है ये रन हुई और एक टास्क रन हुआ फू प्रोसेस फू प्रोसेस के ब्लूप्रिंट को यूज़ करके एक टास्क रन हुआ बार प्रोसेस के ब्लूप्रिंट को यूज़ करके चलिए हम फ़ू प्रोसेस के वर्क डायरेक्टरी के अंदर चल के देखते हैं अब मैं यहाँ पर सॉरी मैं वर्क लिख कर ये पेस्ट करता हूँ और टैब दबाता हूँ तो मैं पूरी तरह से उस एरिया को एक्सपेंड कर सकता हूँ और उस फोल्डर के अंदर आ गया तो ये वो फ़ोल्डर है जहाँ पर फू प्रोसेस का जो इकलौता टास्क था वो एग्जीक्यूट हुआ और अगर मैं एल एस माइनस एल एच करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ जी जो डॉट फाइल्स बनी हैं इसके अंदर कुछ सेल स्क्रिप्ट्स हैं कुछ आउटपुट फाइल है और कुछ लॉग फाइल हैं कुछ एरर फाइल हैं और जो एक एक तरह से इसका सूत्रधार है जो इस पूरे डॉट uh, कमांड्स का या डॉट कमांड फाइल्स का लीडरशिप uh, करता है वो है डॉट कमांड डॉट रॉन्ट तो ये एक तरह से लीडर डॉट कमा डॉट फाइल है चलिए इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे लेकिन अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं वर्क डायरेक्टरी के स्ट्रक्चर के साथ तो ये जो स्ट्रक्चर है शायद आपने आप अभी uh, देख सकें वर्क जो है वर्क के अंदर एक दो कैरेक्टर्स का क्योंकि हर बार ये नंबर नहीं होते हो सकता है ए हो या बी हो तो दो कैरेक्टर्स का एक फोल्डर बनता है उसके अंदर फिर से हैश यूज़ होता है एक और टास्क का उसके बाद उस टास्क के अंदर जो भी टास्क आपने रन करा है वो चीज़ें होती हैं अब उस टास्क में अगर आपने स्ट्रैटेजी यूज़ करी है कि डेटा कॉपी ना हो लेकिन खाली सिंबॉलिक लिंक बन के डेटा वहाँ तक रखा जाए तो आपको वो भी दिखता है तो अब हम आगे चल सकते हैं यहाँ पर आप अगर इस कमांड को दे आ, अगर इस फाइल ट्री को देखना चाहें या फिर जो वर्क डायरेक्टरी है उसे देखना चाहें तो आप जो है ट्री कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको ट्री कमांड अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करनी है गिटपॉड पर तो आप ये कमांड इशू कर सकते हैं सूडो एप्ट तो ट्री हमारे केस में इंस्टॉल्ड है और हम ट्री वर्क करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कितनी सारी वर्क हैं है हमारी और उनका कंटेंट क्या है मैं ये इधर मूव हाँ। तो जो वर्क डायरेक्टरी है वो हमारे पब्लिश डायरेक्टरी से अलग है क्योंकि हर एक टास्क जो है नेक्स्ट फ्लो को हर एक पाइपलाइन को रन करने के लिए नेक्स्ट फ्लो एक टेम्प्रेरी वर्क डायरेक्टरी बनाता है जिसके अंदर जो भी इंटरमीडिएट फाइल्स हैं या जो भी प्रोसेस की स्क्रिप्ट हैं वो रन होती हैं जितने भी प्रोसेस हैं अगर आप यहाँ देखें जि, जितने भी टास्क हैं जो एक प्रोसेस से जनरेट हुए हैं वो उनकी खुद की डायरेक्टरी होती है एक तो उसे हम अभी के लिए कहेंगे टास्क डायरेक्टरी लेकिन जो ओवरऑल पाइपलाइन जहाँ पर रन हो रही है और उसका इंटरमीडिएट डेटा जनरेट हो रहा है उसे हम कहते हैं वर्क डायरेक्ट्री बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट फ्लो एक वर्क नाम की वर्क डायरेक्टरी बनाता है जो आप यहाँ देख सकते हैं वर्क लेकिन अगर आप चाहें तो इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और अगर हम एक बार नेक्स्ट फ्लो कमांड को फिर से रन करें तो हम इस बार ये कह सकते हैं वर्क डी आई आर वर्क डायरेक्ट्री ये हमें पूरा पाथ देना है हो सकता है हम ये कहीं और रखना चाहें जैसे आ, मैं एक रिलेटिव पाथ यूज़ करूँगा और मैं कहूँगा माई वर्क दिया यार। तो आइए रन करके देखते हैं कि अब हमारा रिजल्ट कैसा होता है हमारे जो रिजल्ट है उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा लेकिन जो भी इंटरमीडिएट फाइल्स हैं या जहां पर भी टास्क की डायरेक्टरी बनती है वो लोकेशन हमने कस्टमाइज करी है तो अब अगर मैं एल करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि एक माई वर्क डायरेक्टरी फोल्डर बन चुका है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं देखिए सबसे पहले जो है हम जो आर एन एस पाइपलाइन है आ, जो कि एक तरह से फुल वर्ज़न है हमारी जो हमारा ट्यूटोरियल पाइपलाइन है जो हमने ट्यूटोरियल में यूज़ करा था सिंपल आर एन एस ये उसका फुल वर्ज़न है जो कि हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकते हैं अभी के लिए हम इसे यहाँ पर रन करके देखते हैं और टॉकर प्रोफाइल जो है इसकी इनेबल करेंगे तो इस बार मैंने डायरेक्टली आर एन एस नाम दिया है और क्योंकि अगर आप इसका कोई प्रॉपर या फुल नाम नहीं देते तो नेक्स्ट फ्लो अज्यूम करता है कि ये गिटहब पे है और गिटहब पर इस लोकेशन के अंदर यह आर एन एस एन मिलेगी लेकिन जब आप पाइपलाइंस रन करेंगे थर्ड पार्टी पाइपलाइंस जैसे एन एफ कोर की हो गई या कुछ भी हो गई उसके लिए आपको पूरा आ, आप या तो पूरा नाम दे सकते हैं और या तो आप एन एफ़ कोर स्लैश आर एन एस सी या फिर कुछ भी पाइपलाइन का नाम देके के उस पाइपलाइन को रन कर सकते हैं ये जो कंप्लेन आई हमारे पास ये जो वार्निंग आई है इसलिए आई है क्योंकि नेक्स्ट फ्लो ने हमारे जो डॉट नेक्स्ट फ्लो डॉट कॉन्फिक फाइल है उसे भी पिक करा है इसका मतलब यह है कि हमारी ये जो डॉट नेक्सफ्लो फाइल थी डॉट नेक्स्फ्लो डॉट कॉन्फ्लिक फाइल है ये एक रिमोट पाइपलाइन की एग्जीक्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रही है इस केस में हम ये नहीं चाहते तो मैं इस रन को कैंसिल करके एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका मैं क्या नाम दूंगा आर एन सी के एन एफ एक्सपेरिमेंट्स अब हम इसके अंदर चलेंगे और मैं सेम कमांड को फिर से देता हूँ यहाँ पर ताकि हम अपने आ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ आगे बढ़ सकें इस बार वो पाइपलाइन डाउनलोड नहीं हुई क्योंकि वो पहले से डाउनलोडेड है और जो हम उसके फॉर्मेटेड पैरामीटर्स uh, को प्रिंट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये एसेट्स नाम के होम डॉट नेक्स्ट फ्लो एसेट्स फोल्डर के अंदर ये पाइपलाइन सेव्ड है और जैसे ये पाइपलाइन रन हो रही है uh, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे इसलिए हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ वापस चलते हैं उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप नेक्स्ट फ्लो लॉक कमांड का कैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट फ्लो अगर आप अपने एक ही फोल्डर में बहुत तरीके से नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन को रन करते हैं तो नेक्स्ट फ्लो लॉक कमांड का यूज़ करके आप हिस्ट्री उस नेक्स्ट uh, फ्लो का जो डेटा है उससे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं तो आइए देखते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन पूरा हुआ है या नहीं हुआ मैं इससे मूव करता हूँ और अब हमारा एग्जीक्यूशन लगभग पूरा हो चुका है और हम देखते हैं कि हमारी जो मल्टी क्यूज रिपोर्ट है वो भी जनरेट हो चुकी है आइए हम अब जो है हम हम देखते हैं नेक्स्ट फ्लो लॉग अभी तक हमने इस फोल्डर के अंदर एक ही बार पाइपलाइन को रन करा है इसलिए हमारा एक ही आ, एक ही बार एक ही एंट्री है इस लॉग कमांड के अंदर लेकिन अगर मैं फिर से इस पाइपलाइन को रन करूँ रिज्यूम ऑप्शन के साथ तो आइए देखते हैं कैसा बिहेवियर होगा पहली बात कुछ भी फिर से रन नहीं होगा खाली कैस्ट रिज़ल्ट यूज़ होगा क्योंकि हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है पाइपलाइन में कोई चेंज नहीं है कन्फिग्रेशन में कोई चेंज नहीं है तो सब कुछ कैश्ट है जैसा कि हमने बात करी और इस बार अगर मैं नेक्स्ट लो लॉग रन करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि दो प्रोसेसेस दिखते हैं अगर मैं ये छोटा करता हूँ तो शायद पूरा एक लाइन में दिखे लगभग एक लाइन में दिख रहा है लेकिन आप देख सकते हैं कि टाइम स्टैप है ड्यूरेशन है हमारे पास पहले एक मिनट लगा था लगभग इस बार तीन मिनट में हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया इस रन का नाम क्या है इस नाम को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं जैसे नेम एक्सपेरिमेंट एक्सपी एक्सपी वन अब आप इसे रन करेंगे तो आपने कस्टम नाम के साथ रन करा है और अपना एक्सपेरिमेंट अपने एक्सपेरिमेंट्स experiment, आप ऐसे सेव कर सकते हैं फिर से इस बार एक मिनट लगेगा तो हम वापस ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर में वापस आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आप स्पेसिफिक रिज्यूम के साथ एक स्पेसिफिक नाम यूज़ कर सकते हैं या फिर सेशन आईडी भी यूज़ कर सकते हैं अब सेशन आईडी क्या है ये आपने लॉग के आउटपुट में देखा था पहले तो जब आप रिज़्यूम कमांड रिज़्यूम कर रहे हैं कुछ तब आप जो है या तो सिर्फ रिज़्यूम लिख सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रीवियस रन को रिज़्यूम करता है लेकिन अगर आप चाहें तो एक स्पेसिफिक नाम की रन को भी रिज़्यूम कर सकते हैं जैसे हम हम यहाँ पर ई एक्स को रिज़्यूम करना चाहते हैं तो सॉरी हाँ ई एस को रिज़्यूम करना चाहते हैं तो हमें बस ये नाम देना है और रिज़्यूम कर सकते हैं अगर आपके पास सेशन आईडी है तो आप सेशन आईडी के साथ भी रिज्यूम कर सकते हैं ये आपके ऊपर है इसके बाद अब अगर आप देखना चाहें कि एक रन से रिलेटेड कितनी सारे टास्क डायरेक्टरीज हैं तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं आप नेक्स्ट फ्लो लॉक कमांड का ही इस्तेमाल करेंगे फिर से और उस रन का नाम देंगे तो आपको नेक्स्ट फ्लो ये बता देगा कि ये ये जो फ़ोल्डर्स हैं एक रन से रिलेटेड हैं नहीं तो अगर आप एक स्पेसिफ़िक फॉर्मेट में इस इन्फॉर्मेशन को देखना चाहें आप नेक्स्ट फ्लो से वो भी बोल सकते हैं अब हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि टाइनी फॉर्मेट की जगह हम इसे ई ए... मेरे को लगता है थोड़ा गलती हुई है यहाँ पर आ, हम यहाँ पर टाइनी फॉर्मेट की जगह यहाँ पर टाइप करेंगे हम एक्स पी वन देखते हैं कि हमारा ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स क्या है इस पाइपलाइन को लेकर देखिए हमारा नाम हर प्रोसेस का नाम इस बार प्रिंट हुआ है हैश प्रिंट हुआ है ड्यूरेशन प्रिंट हुआ है कि उस प्रोसेस में कितना टाइम लगा तो ऐसे करके आप आइडिया ले सकते हैं कि जो आपके सारे टास्क हैं या टास्क डायरेक्टरीज हैं उनका इंफॉर्मेशन क्या है उनके स्टेटिस्टिक्स क्या हैं इसके साथ आप जो है अब कुछ फोल्डर्स को आ, वो आ, को फ़िल्टर भी कर सकते हैं जैसे अगर हम कहें कि हमें आ, इस केस में हमें पूरी कमांड लिखनी है यहाँ पर नेक्स्ट फ्लो लॉग ए एक्स पी वन और आगे जाके हम कह सकते हैं डैश माइनस एफ यहाँ पे प्रोसेस हैश इतना ही इन्फॉर्मेशन मांगते हैं अभी के लिए ये कैपिटल एफ़ है ये फ़िल्टर है और ये माइनस एफ़ माइनस स्मॉल एफ़ है वो फ़िल्टर uh, हमें करके बता सकता है चीज़ों को एक बार मैं इससे आ ये पैटर्न पूरा नहीं, नहीं है हमारा इस केस में क्योंकि हमारा स्मॉल में फ़ास्ट क्यूसी नहीं है हमारा फास्ट क्यूसी कैपिटल है आपको शायद याद हो कि ये है स्लैशी स्ट्रिंग जो हमने कल ग्रूवी गु, में करा था तो इसमें से कैप्चर नहीं हुआ है हमारा कोड जब हम देखते हैं खाली इसको रन करके अभी भी हमारा कैप्चर नहीं हुआ है शायद हम कोई गलती कर रहे हैं लेकिन एक बार हम मल्टी क्यू के साथ इसे कंफर्म कर सकते हैं हाँ मल्टी क्यू उसके बाद प्रोसेस हैश अब देखते हैं एक बार देखिए मल्टी क्यूसी का नाम आया और प्रोसेस और टास्क डायरेक्टरी जो कि प्रोसेस के हैस से डिराइव होती है वो भी आया अब हम वापस जाके अपने पैटर्न को करेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पैटर्न में असल में इसका पूरा नाम है आर्यन फास्ट क्यू तो हमें उनका ध्यान देना है चलिए एक बार पूरा नाम दे के देखते हैं देखिए इस बार हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आई है और हम अब प्रोसेस और हैश इन दोनों को प्रिंट करना चाहते हैं तो हम जो है जो भी हमारे प्रोसेस रन हुए हैं एक एग्जीक्यूशन में उन्हें फ़िल्टर कर सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लो लॉक यूज कमांड का यूज़ करके अब आप इन सारी चीज़ों को एक स्पेसिफिक एच फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट फ्लो लॉक कमांड जो है टेम्पलेट एक्सेप्ट करता है तो आइए एक टेम्पलेट बनाते हैं और उसके अंदर हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें हम यहाँ पर नेक्स्ट फ्लो लॉग ई एक्स पी क्योंकि हमारे पहले एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है हम इसे रन करते हैं और देखेंगे कि जो हमारा प्रॉप फाइल बनी है उसके अंदर वैल्यूज़ क्या आई हैं आप ये देख सकते हैं कि जो टेम्पलेट में हमने सेट करा था स्क्रिप्ट एग्जेट कोड स्टेटस वर्क टी आई आर वो सब हमारा प्रॉव फाइल में प्रोविनेंस फाइल में रिप्लेस होकर आ चुका है इसके साथ हम देखते हैं कुछ टेक्निक्स जो आपकी रिज्यूमेबिलिटी को ब्रेक करती हैं तो जब आप उसे ट्रबल शूट करना चाहें तब अगर आप मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा अगर आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं रिज्यूमेबिलिटी की सबसे पहले आपको हमारे तीन ब्लॉग पोस्ट को पढ़ना चाहिए पहला ब्लॉग पोस्ट हमने पिछले नवंबर में पब्लिश करा था उसके अलावा ये ये एक तीसरा ये एक तीन पार्ट के ब्लॉग सीरीज़ का हिस्सा है तो पहला ब्लॉग था वो था रिज़्यूम फंक्शनैलिटी को लेकर दूसरा था ट्रबल शूटिंग स्ट्रेटीज़ को लेकर और तीसरा है ये एनालाइजिंग कैचिंग बिहेवियर ऑफ पाइपलाइंस सो तो इस ब्लॉग में हमने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आप किस सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं कि आपकी कैशिंग किस वजह से ब्रेक हो रही है और कहाँ ब्रेक हो रही है तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं रिज्यूम ट्रबल शूटिंग के साथ आ, अगर आपका रिज्यूमेबिलिटी ब्रेक हुई है तो उसके कुछ कॉमन रीजंस हैं जैसे इनपुट फाइल चेंज हुई है या आपने सैम्पल शीट में अपने नए सैम्पल्स डाले हैं और इनपुट फाइल बिल्कुल चेंज हो गए इसका मतलब कि जब इनपुट फाइल चेंज हुए हैं तो उसका यूनिक टा हर टास्क का यूनिक हैश जो है वो भी चेंज हुआ इसका मतलब अब जो है ब्लू और ब्लू जो प्रोसेस का ब्लू है वो नए इनपुट के साथ कंबाइन हो रहा है वो नया टास्क वो नया हैश uh, क्रिएट करेगा इसलिए वो नया टास्क है इसके साथ साथ आपने आ, कोई प्रोसेस ऐसा रन कराया है जो मॉडिफाई करता है इनपुट को आ, दूसरे प्रोसेसेस के आ, दूसरे प्रोसे, प्रोसेसेस के इनपुट को हो सकता है उसकी वजह से कैशिंग ब्रेक हो रही हो आ, या फिर अगर आपने आ, अगर आप कोई नेटवर्क फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका जो टाइम स्टैम्प है फाइल का वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जिसकी वजह से कैशिंग स्ट्रैटजी ब्रेक कर सकती है लेकिन नेक्स्ट फ्लो में आप कैशिंग स्ट्रेटजी को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी जगह आप स्ट्रिक्ट की जगह लीनियट यूज़ कर सकते हैं जो कि आपकी मदद कर सकता है कि आप डीप की जगह लीनियट यूज़ कर सकते हैं जो आपकी मदद कर सकता है कि आप नेक्स्ट फ्लो की फ्लो को बोलें कि ठीक है आपके लिए इतना टॉलरेंस अपने नेटवर्क फाइल सिस्टम की वजह से आ, आपके पास फाइल सिस्टम पर टॉलरेंस है तो रेस कंडीशन हो सकता है किसी ग्लोबल वेरिएबल में जैसे अगर आप ये जो दो वेरे ये जो दो चैनल्स हैं यहाँ पर आपने ये एक्स डिक्लेयर करा है इधर एक्स डिक्लेयर करा है और यहाँ पर सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है स्कोप की क्योंकि शायद आपको याद हो कि हमने जब ग्रुबे की बात करी थी और हमने उससे पहले क्लोजर्स की बात करी थी नेक्सलो में भी तो हमने बोला था कि आपको डेफ यूज़ करना चाहिए जब आप स्कोप uh, को लिमिट करना चाहते हैं तो अभी ये जो एक्स है ये ग्लोबल स्कोप में है इसका मतलब ये एक इस क्लोजर का एक्सेस जो है और इस क्लोजर का एक्सेस जो है सेम एक्स को लेकर है तो ओवर uh, करने की पॉसिबिलिटी uh, है रेस कंडीशन की वजह से क्योंकि अब आप सीरियल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे आप काम कर रहे हैं पैरल कंप्यूटिंग एन्वायरमेंट में इसके लिए आपको डेफ ऐड करना चाहिए इस क्लोजर के अंदर Uh, उसके बाद नॉन डिटर्मिनिस्टिक इनपुट चैनल इसका मतलब ये है कि शायद आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट हमेशा एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है जिसकी वजह से uh, जो बाक़ी प्रोसेस हैं उनका इनपुट चेंज होता है जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो पाइपलाइन है वो रिज्यूमेबिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा सकती तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए लेकिन इसके बाद भी अगर आप uh, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कैशिंग बिहेवियर को लेके तो हमारे नेक्स्ट फ्लो ब्लॉग पर आप आकर इस नेक्स्ट फ्लो ब्लॉग पर क्लिक कर कर आप हमारे ब्लॉग पोस्ट का ध्यान दे सकते हैं और uh, जो ब्लॉग पोस्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ वो है कैशिंग एनालाइजिंग कैशिंग बिहेवियर ऑफ पाइपलाइंस आप यहाँ क्लिक करेंगे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं uh, इसके साथ हम कैशेबिलिटी और रिज्यूमेबिलिटी uh, Of के सेक्शन को कंप्लीट करते हैं और अब हम आगे जाएंगे ट्रबल शूटिंग के सेक्शन पर नेक्स्ट लो कैशिंग के एनालिसिस के साथ साथ अगर आप रेगुलरली इन पाइपलाइंस का यूज करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ एरर्स के अक्रॉस हैं या फिर आपको uh, कुछ ट्रबल शूटिंग करनी पड़े तो इन केसेस में आप uh, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का, का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि एग्जीक्यूशन एरर डी बाकिंग ये हमारा ट्रबलशूटिंग शूटिंग का सेक्शन है हमारी ट्यूटोरियल वेबसाइट पर और आप अगर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है आ, इसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जब हम पहली जब हम सिंपल आर एन एस की दूसरी स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे तब हमने ये एरर देखा था और तब मैंने आपको ये बताने बताने की कोशिश करी थी कि जब जब नेक्स्ट फ्लो जो लैंग्वेज है उससे सब कुछ ट्रांसलेट होकर शेल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है अगर कोई एरर उस लेवल से जनरेट होता है तो आपको एक एक फॉर्मेटेड एरर मिलता है ये सब कुछ रेड कलर से प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पर अगर कलर प्रिंटिंग एनेबल्ड है नहीं तो आप, आप सब कुछ ये ये सारे मैसेज जो हैं आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं Uh, इसके साथ साथ ये जो आउटपुट है कमांड एग्जिट स्टेटस कमांड एग्जीक्यूटेड कॉज्ड बाय कमांड आउटपुट कमांड एरर ये सब अगर आप ध्यान दें एक, uh, uh, एक एक टास्क डायरेक्टरी के अंदर जाकर चलिए चल हम चलते हैं c5 इस डायरेक्टरी के अंदर सॉरी सी डी वर्क सी फाइव अब हम इसके अंदर आते हैं और एल एच करके देखते हैं तो जो कंटेंट आप इधर देखेंगे इन स्क्रिप्ट्स पर इन इस फॉर्मेटेड आउटपुट पर जैसे कॉस्ट पाए कमांड एग्जीक्यूटेड ये सब नेक्स्ट फ्लो जो है इन हिडन स्क्रिप्ट्स में से लेता है जैसे अगर आप डॉट कमांड डॉट एस का आउटपुट देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट एक्चुअली में क्या थी और उसका लॉक क्या है और उसका एरर क्या है सी ए टी डॉट डॉट तो आप आ, इस केस में कोई एरर मैसेज नहीं है हमारा स्पेसिफ़िक आप यहाँ पर लेकिन लॉग को देख सकते हैं आ, और यहाँ आ, क्योंकि ये दूसरा टास्क है इसलिए यहाँ पर हमारा एरर और लॉग में कोई एंट्री नहीं है क्योंकि ये कम्प्लीट हुआ था ये सक्सेसफुली कम्प्लीट हुआ था लेकिन अगर आपका प्रोसेस फेल होता है तो आपके लिए नेक्स्ट फ्लो उन फाइल से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल कर स्क्रीन पर दिखाता है आ, इसके साथ साथ आप को नेक्स्ट ये भी बताता है कि कौन सी डायरेक्टरी में वो टास्क एग्जीक्यूट हुआ था और आप उस टास्क उस डायरेक्टरी में जाकर उस टास्क को स्टडी कर सकते हैं तो आइए हम देखते हैं स्क्रिप्ट नंबर टू के कॉन्टेक्स्ट में इन टेक्निक्स को हम जो है नेक्स्ट फ्लो डॉट कमांड फाइल में जो हमने जो भी चेंज करे थे हम उन्हें अंडू करेंगे ताकि हम जो है एक नॉर्मल आर नॉर्मल हमारी स्क्रिप्ट जो हैं उन्हें रन कर सकें इसके साथ असल में डॉकर डॉट इनेबल ट्रू हमारे लिए ज़रूरी है तो अब हम अपनी स्क्रिप्ट को रन करने के लिए रेडी हैं हम रन करके देखते हैं स्क्रिप्ट टू एन को आइए एक बार फिर से देखते हैं उस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है मैं इसे बंद कर सकता हूँ यहाँ पर और इसे हम छोटा कर सकते हैं इस स्क्रिप्ट में एक प्रोसेस है और एक वर्क फ्लो है तो अगर मैं कन्फिग्रेशन फाइल पर जाकर असल में सॉरी फाइल पर फ़ाइल में जाकर इसे डॉकर एनेबल्ड को कमेंट कर देता हूँ या फिर डॉकर इनेबल को यहाँ पर फॉल्स सेट कर देता हूँ तो हमें ये एरर मिलेगा क्योंकि हमारे कंप्यूटर में ये जो गिटपॉड ने हमें कंप्यूटर दिया है उसमें हमने सैलमन इंस्टॉल नहीं करा है लेकिन अगर आप डॉकर को इनेबल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आ, जो ये आर का कंटेनर है वो यूज़ होगा और इस कंटेनर में सैलमन टूल इंस्टॉल है आ, अब हम इस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर जाके देखते हैं कि हम हमें उन डॉट फाइल्स में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आइए देखते हैं डॉट एस एच पहले उसके बाद डॉट ई आर आर उसमें हमें ये दिखा कि एरर मैसेज क्या है उसके बाद हम देख सकते हैं लॉग और अगर आप नेक्स्ट फ्लो के एरर मैसेज पे ध्यान दें जैसे ट्रबल शूटिंग में लिखा है आप इसे ट्राई कर सकते हैं फिर से इसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब नेक्स्ट फ्लो ने कमांड रन में ऐड कर दी हैं तो अब आप बैच कमांड रन करेंगे और आप एरर अपना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये एक ट्रबल शूटिंग टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है अपने आ, अपने पाइपलाइन के इश्यूज को डिबक कर सकते हैं इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं आ, हमने इन फाइल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी ऐड करी है और इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं इग्नोर एरर्स में तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आ, आप इग्नोर करना चाहें जैसे कि मान लेते हैं कि अगर एक आपके पास हज़ार सैंपल्स हैं और आप चाहते हैं कि हज़ार में से जितने भी पहली रन में पहले एग्जीक्यूशन में आपकी पाइपलाइन के कंप्लीट हो सकें उनको बस कंप्लीट करें आपकी पाइपलाइन और बाकी सबको इग्नोर कर दे तो आ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें बस एक एरर स्ट्रैटी डायरेक्टिव का इस्तेमाल करना है जिसका जिसका यूज़ ये है कि आप नेक्स्ट फ्लो को ये बता रहे हैं कि अगर इस प्रोसेस में से जनरेटेड कोई भी टास्क में एरर आता है तो उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं तो अगर हम यहाँ पर देखें इस इंडेक्स प्रोसेस को हम इग्नोर करना चाहें तो देखते हैं क्या होगा क्योंकि अगर आप ध्यान दें कि इस पूरे स्क्रिप्ट में एक ही प्रोसेस यूज़ हो रहा है और अगर ये प्रोसेस ही फेल हो जाए हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस ही फ़ेल हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है और इन तीनों में से रन स्क्रिप्ट टू अब हम इसे इनेबल करेंगे असल में और इस एग्जीक्यूशन को कैंसिल करके फिर से रन करेंगे तो पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि एक ही हमारे पास एग्जांपल है उसका आ, हाँ क्योंकि एक ही हमारे पास ट्रांसक्रिप्ट फाइल है लेकिन अगर आप इसमें हमने इसका रीड्स में कहीं यूज़ नहीं करा तो इस जो चेंज मैंने करा था उसका कोई यूज़ नहीं है ठीक है तो अभी के लिए हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं कि एरर स्ट्रैटजी का आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन एरर स्ट्रैटजी बहुत यूज़फुल डायरेक्टिव है क्योंकि आप इसमें क्लोजर का इस्तेमाल कर कर इसे ऐसे ना बताकर इसमें एक प्रॉपर कंडीशन और अपना लॉजिक ऐड कर सकते हैं जैसे कि हमने ट्रबल शूटिंग में आगे मेंशन करा है कि आप या तो उसे इग्नोर करें या तो रिट्राई करें लेकिन अगर आप इन्हें कंबाइन करना चाहते हैं तो आप एरर स्ट्रेटजी में कुछ इस तरह से लॉजिक यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका प्रोसेस जो है फेल हो गया पहली बार में तो आप उसे तो सॉरी तो आप उसे फिर से अप्लाई फिर से अपने एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में भेज कर उसको वे उसका फिर से सबमिशन कर सकते हैं अगर इस बार भी फेल होता है तो उसका ड्यूरेशन बढ़ाकर सबमिशन का ड्यूरेशन बढ़ाकर उसे फिर से रि, रिट्राई कर सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ आप एक मैक्स रिट्राइज डायरेक्टिव का यूज़ कर कर आप ये देख सकते हैं कि आ, आपका प्रोसेस अनलिमिटेड या इनफिनिट रिट्राइज लूप में ना फंसे तो इस, आ, इस क्लोजर का ये क्लोजर का एक एग्ज़ाम्पल है लेकिन इसके अलावा आप बहुत तरीके से अपना एडिट स्ट्रैटजी को कस्टमाइज़ कर सकते हैं तो आइए देखते हैं और इस क्लोजर के यूज़ क्या क्या हैं जैसे डायनामिक रिसोर्स एलोकेशन कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोसेस यूज़ करते हैं जिनमें आपने डिफॉल्ट सीपीयू मेमोरी बताया है लेकिन कुछ सैम्पल्स ऐसे आ जाते हैं जो कि और भी ज़्यादा सीपीयू या मेमोरी उस टास्क में आ, मांगते हैं तो उन केसेस में आप क्या कर सकते हैं एक डायनेमिक रिसोर्स एलोकेशन यूज़ कर सकते हैं जैसे टास्क का हर एक अटेम्प्ट हर एक फेल्ड अटेम्प्ट के साथ उसकी जो मेमोरी है दोगुना हो जाती है तो जैसे पहले अटेम्प्ट में टू जी बी है दूसरे अटेम्प्ट में ये फोर जी बी हो जाएगी और फिर से नेक्स्ट फ्लो ट्राई करेगा कि ये टास्क सबमिट हो तीन बार ट्राई करेगा असल में उसके बाद नेक्स्ट फ्लो बोलेगा कि नहीं वो ये टास्क किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो सकता और वो पूरी पाइपलाइन को टर्मिनेट कर देगा लेकिन अगर आप यहाँ पर इग्नोर डालते हैं इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट फ्लो इस पर्टिकुलर टास्क इस प्रोसेस से जेनरेटेड टास्क को इग्नोर करेगा और बाकी जो इस प्रोसेस से जेनरेटेड टास्क होंगे उन्हें कंप्लीट करके पाइपलाइन को आगे बढ़ाएगा तो ये कुछ स्ट्रैटजीज़ हैं जो आप अपने पाइपलाइन को इंटेलिजेंट बिहेवियर या फिर एरर हैंडलिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं और ये कुछ आ, ट्रबल शूटिंग टेक्निक्स थी जो हमने डिस्कस करें इसके साथ अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं अभी तक इन सारे सेशंस में हमने ये देखा है कि आप नेक्स्ट फ्लो की पाइपलाइंस को बिल्ड कैसे कर सकते हैं नेक्स्ट फ्लो में लिखी पाइपलाइंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं लेकिन जब आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तब आप आ, कुछ और एबिलिटीज़ चाहते हैं जैसे कि दूसरों को विजिबिलिटी हो कि आपने क्या पैरामीटर्स यूज़ करे हैं या फिर आप किस इन्वायरमेंट में पाइपलाइन को रन कर रहे हैं आ, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक, आ, सिकेरा लैब्स जो कि फ्लो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की एक लीडिंग कंट्रीब्यूटर है उसने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है नेक्स्लो टावर और इस टावर प्रोडक्ट की खुद की वेबसाइट है जिसका नाम है टावर डॉट एन एफ़ जैसे ही आप क्लाउड डॉट टावर डॉट एन एफ या फिर टावर डॉट एन एफ पर आएंगे आपको कुछ अपनी स्क्रीन पर ऐसे दिखेगा लेकिन अभी हम वापस जाते हैं और टावर के बारे में थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन देखते हैं तो टावर जो है आपका एक सेंट्रलाइज्ड कमांड पोस्ट है डेटा मैनेजमेंट और पाइपलाइंस को लेकर इसका एक आप इसे मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन को लेकर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे क्लाउड हो गया क्लस्टर हो गया और जहाँ तक कि यहाँ तक कि आपका खुद का लैपटॉप तो आ, इसके कुछ खास फीचर्स हैं जैसे कि आप प्री कन्फिगर्ड पाइपलाइंस को लॉन्च कर सकते हैं तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपका आपके ग्रुप में एक या दो इन्फॉर्मेटिशियंस हैं जिन्होंने पाइपलाइंस बनाए या जो प्री एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस को सही तरीके से कॉन्फ़िगर करके आपके लिए एक इजी टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं उसके साथ आप अपने आ, शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे सिस्टम्स हों जिसके साथ आप टावर को कनेक्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है इसके साथ आप अपने आ, शेयर्ड वर्क स्पेसिस बना सकते हैं जिसका मतलब है कि अगर आपकी बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ग्रुप पूरा अलग है तो वो अपने एक वर्क स्पेस बनाकर जो भी पाइपलाइंस वो बनाते हैं वो बाकी सारे वर्क से शेयर कर सकते हैं मैं वर्क के बारे में और बात करूँगा जब हम टावर की वेबसाइट को देखेंगे आ, इसके साथ साथ आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं तो पहले अभी कुछ देर पहले हमने क्लाउड डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करी थी तो क्लाउड जो है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है लेकिन इसके साथ साथ आपको बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस करने पड़ते हैं ताकि आपका एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और आप रिसोर्सिस का अच्छे से यूज़ करें आ, इसके लिए टावर जो है आपको ऑटोमेशन्स ऑफर करता है लेकिन आइए देखते हैं कि हम सबसे सिंपलेस्ट यूज़ क्या है टावर का उससे हम स्टार्ट करते हैं आ, सबसे पहले अगर आप टावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बस नेक्स्फ्लो कमांड लाइन में विथ टावर ऐड करना होगा उसके बाद आप टावर के अंदर अपने नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइंस को मॉनिटर कर सकेंगे आ, इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें मैं आपको आ, एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं जिसमें जिसके थ्रू मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको समझा सकूं टावर के कितने तरीके के यूज केसेस हैं तो देखिए अगर आप एक नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइन को रन करते हैं आप उसे खाली मॉनिटर कर सकते हैं टावर के थ्रू और ये टावर का पहला यूज़ केस है और सबसे सिंपलेस्ट यूज़ केस है जिसमें आप टावर का और किसी अबिलिटी का यूज़ नहीं करते आप जो है किस जो आपकी पाइपलाइन है चाहे आप उसे अपने लैपटॉप पे रन कर रहे हों या फिर एक क्लस्टर में रन कर रहे हों क्लाउड में रन कर रहे हों और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहाँ पर भी पाइपलाइन को रन कर रहे हैं उस इन्वायरमेंट को आपने कैसे मैनेज करा है कन्फिगर करा है वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको उस सब का उस सब के साथ कंफर्ट है तो आप क्या कर सकते हैं आप इस पाइपलाइन को मॉनिटर कर सकते हैं टावर के ज़रिए तो आइए देखते हैं कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम जो है आ, क्या करना चाहते हैं हम विथ टावर का इस्तेमाल करेंगे हमारे सिंपल आर एन सी पाइपलाइन की स्क्रिप्ट के साथ लेकिन उससे पहले हमें क्या ज़रूरत है हमें टावर की वेबसाइट पर जाना होगा और जो आ, पहले हम कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं आ, या आपके ऊपर है आ, हम हम क्या करेंगे हम साइन इन करेंगे और जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप जो है किटअप के साथ साइन इन करना चाहते हैं या गूगल के साथ या फिर ईमेल के साथ आ, असल में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको टावर की वेबसाइट का ओवरव्यू देता हूँ ताकि आप जो है और अच्छे से समझ सकें कि टावर का इस्तेमाल क्या है मैं पीछे जाऊंगा एक बार और मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हैं कि टावर का मोटो यह है मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी बाय इनेबलिंग कोलैबोरेटिव डेटा एनालिसिस एट एनी स्केल ऑन प्रमिस और इन क्लाउड इसका मतलब एनी स्केल का मतलब है आ, आ, कि आप जी आप एक सी से लेके दस हज़ार सी या कुछ भी नंबर ऑफ सी का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको टावर और फ्लो ऐसे फ़ीचर्स प्रोवाइड करेगा जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं आप देख सकते हैं टावर का एक यूज़र इंटरफेस का एक स्क्रीन है जो कि शायद आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो हम आगे चलें तो देख सकते हैं कि आप इस टावर की जो पिच है वो है कि आप इससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं अपने ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्लाउड के एक्सपेंडिचर को क्योंकि आ, टावर जिस हिसाब से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है वो आपका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है और वो ऑटोमेटेड तरीका है इसके साथ आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम पर अगर आप एक ही इंसान से उम्मीद रखते हैं कि वो बायो भी समझे वो बायोलॉजी भी समझे वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी समझे तो वो बहुत कॉम्प्ले uh, कॉम्प्लेक्सिटी complex, uh, है तो जितना हम चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं उतना ही बढ़िया है इसके साथ साथ आप कम्प्लाइंस को सिंप्लीफाई uh, uh, कर सकते हैं जैसे uh, आपको अगर आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट के अंदर काम करते हैं और आपको हर बार प्रेडिक्टेबल रिप्रोड्यूसिबल और ऑडिटेबल पाइपलाइन एग्जीक्यूशन चाहिए ताकि आप चाहे दो महीने बाद तीन महीने बाद वापस आके देख सकें कि उस एग्जीक्यूशन में हुआ क्या था तो उसके लिए आपको टावर का टावर के फीचर्स का बहुत बेनिफिट होगा इसके साथ हम देख सकते हैं अगर हम नीचे जाएँ तो टावर को बहुत सारे पॉपुलर कंपनीज़ यूज़ करती हैं जैसे नानोपोर हो गया इन्विटे हो गया जॉनसन जॉनसन रोश सेंगर इसके साथ आप डिप्लॉयमेंट की तरफ देखें तो टावर जो है नेक्स्ट फ्लो की डिप्लॉयमेंट को सिम्प्लीफाई करता है और आपको बहुत तरीके के इंटरफेस मिलते हैं जैसे आपको एक एपीआई मिलती है एक सीएलआई मिलता है और एक जी मिलता है जो कि ये वेबसाइट है इसके साथ आप प्रोडक्टिविटी और कोलैबोरेशन को अपने ग्रुप के अंदर बढ़ा सकते हैं जैसे आपको इस तरह से पाइपलाइंस मिलेंगी और उसके साथ आप जो है नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए आपने सिंप्लीफ़ाई कर दिया कि वो अब कमांड लाइन पे पैरामीटर्स देने की जगह उनके पास एक फॉर्म है वो इस फॉर्म को यूज़ कर कर पैरामीटर्स दे सकें इसके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि कंप्यूट uh, प्लेटफॉर्म जो टावर सपोर्ट करता है वो बहुत सारे कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ग्रिड एल्टेर गूगल लाइफ नेक्स्ट फ्लो इससे भी ज़्यादा कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है लेकिन टावर उन सब फीचर्स को अभी टेस्टिंग स्टेज पे रख कर आगे बढ़ता है तो आइए देखते हैं कंटेनर टेक्नोलॉजीज़ तो टावर आपकी मदद करता है कि आप किसी भी कंटेनर रजिस्ट्री जो है खासकर डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री उसका यूज़ कर सकें अपनी पाइपलाइंस में uh, उसके साथ सोर्स कोज मैनेजमेंट टूल से इस टावर इंटीग्रेट करता है तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने क्रीडेंशियल्स जो है अपनी टीम के हर एक मेंबर को देने की जगह खाली टावर में ऐड करने हैं और उन क्रीडेंशियल्स का इस्तेमाल आपकी टीम का कोई भी मेंबर कर सकेगा आगे चलते हैं और देखते हैं कि टावर के क्या क्या फ़ीचर्स हैं और टावर्स के एक फ़ीचर्स की लिस्टिंग यहाँ पर है लेकिन अभी हम इसके इंटरफेस को देखेंगे अंदर से एप्लीकेशन के अंदर से तो हम देख सकते हैं कि इसके क्या क्या यूज केस हैं इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और सवाल हैं आपको केस स्टडीज़ देखनी है तो आप यहाँ पर इन्हें ढूंढ सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन है वाइट पेपर्स हैं नेक्सफ्लो रिसोर्स ट्रेनिंग और ई e बुक्स भी है पॉडकास्ट भी है और ब्लॉग भी है टावर का तो अब हम ऊपर जाते हैं और लॉग इन करके देखेंगे कि हम आ, टावर को अंदर टावर को अपने नेक्स्ट फ्लो एग्जीक्यूशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तो आइए यहाँ पर भी हम साइन इन करेंगे गिटहब का इस्तेमाल करके और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पहला पेज खुला है वो है कम्युनिटी शो शोकेस लेकिन मेरे पास बहुत सारे वर्क स्पेसिस का एक्सेस है वर्क स्पेसिस का मतलब है कि आप एक ग्रुप ऑफ रिसोर्स को एक लॉजिकल कलेक्शन में रखना चाहते हैं तो वर्क स्पेस आपका वो तरीका है और बहुत सारे वर्क स्पेसिस को आप एक लॉजिकल ग्रुप में रख सकते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभिनव नाम का एक आपको यूज़र वर्क स्पेस मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन वर्क स्पेस मिलता है तो आप देख सकते हैं कि आपको कम्युनिटी वर्क स्पेस कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली शोकेस का एक्सेस होगा उसके अलावा आप एन एफ़ कोर और ए डब्ल्यू एस मेगाटेस्ट्स का वर्क स्पेस देख सकते हैं यहाँ पे उसके साथ एक बायोन्फेमेटिक्स एम टी बी ट्यूबर रिलेटेड वर्क स्पेस देख सकते हैं आ, आप यहाँ से किसी भी वर्क स्पेस में क्लिक करके जंप कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ कम्युनिटी शो में बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही हम लैंड करते हैं हमने ये खोला तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टैब्स हैं हमारे पास जैसे लॉन्च पैड अगर हम लॉन्च पैड को एक्सप्लोर करें पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस हैं जो रेडी टू लॉन्च हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक करें जैसे नानो सीक पर क्लिक करें तो आपको ये देख सकता है कि, कि आप जो भी पैरामीटर कस्टमाइज़ करना चाहें इस पाइपलाइन का ये जो फॉर्मेट है पैरामीटर्स का ये जेसन स्कीमा से बना है जो कि हमने पहले कवर करा था नेक्स्ट लो जेसन स्कीमा जो हमने सेशन टू में कवर करा है ये सब उससे ऑटोमेटिकली जनरेट होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपका एक यूज़र जो है आप उसे अबिलिटी देना चाहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज करे तो वो तो उन्हें जो है कमांड लाइन पर जाने की जरूरत नहीं है तो अब जो नॉन टेक्निकल बाइनफोमेटिक्स यूज़र्स हैं आप उनके लिए अपने पाइपलाइंस की पाइपलाइंस का यूसेज सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे बुलियन है उन्हें आप यूज़र uh, इंटरफेस के थ्रू uh, अपने यूज़र्स तक प्रोवाइड करा सकते हैं इसके साथ अगर आप uh, एक पाइपलाइन को आउट uh, या देना चाहें जैसे यहाँ पर हम देंगे रिजल्ट्स और इसके साथ हम इसे लॉन्च करने के लिए तैयार हैं तो हम बस लॉन्च बटन दबाना है और हमारी जो पाइपलाइन है वो लॉन्च हो जाएगी अब देखते हैं ये कहाँ पर लॉन्च हुई है और ये एक्सपीरियंस कैसा है अगर आप यहाँ पर क्लिक करें ये आप ये देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम जो मेरा सोशल मीडिया हैंडल है हर जगह वो यहाँ पर भी दिख रहा है और उससे हम देख सकते हैं कि किसने कौन सी पाइपलाइन लॉन्च करी और कब कर लॉन्च करी तो अब हम बात कर रहे हैं पाइपलाइन पेज की जैसे ही आप नीचे आते हैं आप देख सकते हैं कि अभी पाइपलाइन स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन उसके अलावा उससे पहले भी आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं जैसे आप देख सकते हैं कि ये वर्क डायरेक्टरी है आपकी ये बैच ऑपरेशन आईडी है ए बैच पर ये रन हो रहा है उसके साथ आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट फ्लो कमांड रन होगी वो ये है आ, तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि नेक्स्ट फ्लो पाइपलाइंस को लॉन्च करना कितना आसान है अब हम वापस जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है एक पाइपलाइन को मॉनिटर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा आपको एक सीक्रेट बनाना होगा सीक्रेट नहीं आपको एक टोकन बनाना होगा सॉरी अब वहाँ पर जाएंगे और इसे क्लिक कर सकते हैं ऐड टोकन आप इसे बोलेंगे टेम्पररी टोकन आपने जैसे ही ऐड करा आपको ये प्रिंट होके मिल जाएगा अब आप इसे अपने गिट पॉड इन्वायरमेंट में जाकर एक्सपोर्ट टावर ए टोकन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैं बस ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेरा वेरिएबल का नाम सही है अब हम देखें यहाँ पर टावर एक्सेस टोकन नाम होना चाहिए टावर एक्सेस टोकन और जैसे ही हम ये एक्सेस टोकन अपने इन्वामेंट में सेव करेंगे उसके बाद हमारे आ, हमारा हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल फ्लो का मॉनिटरिंग uh, पर्सपेक्टिव से हम कनेक्शन बना सकते हैं टावर डॉट एन के साथ तो एक बार हम वापस इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं uh, मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि आप ये वर्जन ना यूज़ करें क्योंकि ये पुराना वर्जन है आप uh, जो डिफ़ॉल्ट वर्जन हमने इंस्टॉल करा है गिटपॉड पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं जो कि है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ वर्जन आप देख सकते हैं कि ये ट्वेंटी टू पॉइंट वन जीरो वर्जन है आप उसे यूज़ करिए उसके बाद अगर आप कोई भी पाइपलाइन रन करें तो आप देख सकते हैं जैसे हम अगर हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन रन करें तो हम देख सकते हैं सॉरी हाँ अगर हम हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन प्रिंट रन करें तो हम देख सकते हैं कि जो uh, इस बार नेक्स्ट फ्लो कैसे बिहेव करेगा फ्लो ने हमें ये हम अभी डिबक करेंगे क्योंकि Uh, हमारा आ, ये हेलो वर्ल्ड पाइपलाइन जो है हमने बहुत चेंज कर रखी है चलिए इसे अंडू करते हैं पहले तो uh, हम खाली हमें खाली फू प्रोसेस रखना है इसके अंदर हाँ अब अगर हम इसे रन करें आ, तो आप देख सकते हैं कि हर बार नेक्स्ट फ्लो जो है एक लिंक देगा आपको टावर का तो आप अगर उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप टावर टावर पर लॉकडेन हैं तो आप जो है अपनी पाइपलाइन को मॉनिटर कर सकते हैं आ, मेरा प्रोसेस मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हमने पहले कस्टमाइज़ करी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम है अभी अभी हम उसे फ़िक्स करते हैं उसके बाद हम इसको रन कर सकते हैं यहाँ पर हम इसे अगर ये हटाकर हम के खाली ये बोलें एक हेलो टावर और हम फू को चेंज करके हम ये बोल सकते हैं हेलो टावर और हम इस प्रोसेस को यहाँ पर नाम देते हैं आ, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप जो है इन ब्लॉक्स का नाम जो है एक्सप्लिसिटली यूज़ करें तो आइए हम पूरा नाम यूज़ करेंगे शेल फ्लो उसके बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं टावर के साथ फिर से इस बार पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए और अगर आप टावर पर जाके देखें इस लिंक पर क्लिक करें हाँ तो आइए हम इस लिंक पर डायरेक्टली चलते हैं इस लिंक पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट फ्लो जो हमने अपने गिटपॉट के कंप्यूटर पर रन करा था उसने कुछ इन्फॉर्मेशन टावर को भेजी जैसे कि आपका असल में कोई भी डेटा टावर तक नहीं जाएगा खाली नेक्स्ट फ्लो की एग्जीक्यूशन इन्फॉर्मेशन टावर तक जाएगी तो जैसे ये कमांड है अगर आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं अपने को के साथ शेयर कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कौन सा कंटेनर यूज़ हुआ था कौन सा वर्क डायरेक्ट्री यूज़ हुई है यूज़र का नाम क्या है और आ, कौन सा प्रोसेस रन हुआ है उस प्रोसेस को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उस प्रोसेस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैंशनड है आप देख सकते हैं उसका नाम क्या था उसकी कमांड क्या है एग्जीक्यूशन लॉक क्या है ये फीचर जो है खाली टावर लॉन्च के साथ अवेलेबल है जो कि ये वाला केस है जो हमने ब्रीफली अभी डिस्कस करा था हम उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले हम मॉनिटरिंग के कॉन्सेप्ट को एक बार देख लेते हैं तो मॉनिटरिंग के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपको जो है पूरी तरह से रिसोर्स uh, यूसेज का आइडिया भी मिलेगा uh, ये ग्राफ जो है इससे भी बढ़िया ग्राफ होता है लेकिन हमारी जो हेलो पाइपलाइन है उसमें हमने uh, और प्रोसेसेस ऐड नहीं करे तो आइए हम एक uh, जो हमारी टॉय आर एन सी पाइपलाइन है उसे रन करके देखते हैं टावर के साथ और उसे मॉनिटर करेंगे हम टावर पर uh, हाँ तो नाम गलत है यहाँ पर एस आर एन ई सीख इस बार जो है हम टावर को पहले से खोल के रखते हैं और आ, असल में हम आ, वापस आते हैं अपने लिंक को कॉपी करने के लिए और यहाँ पर हमने पेस्ट करा और इसे ओपन करा तो हम देख सकेंगे कि अभी क्या हो रहा है उस पाइपलाइन के अंदर आप देख सकते हैं दो प्रोसेस सक्सीड हो चुके हैं एक प्रोसेस चल रहा है अभी और आप ये प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं जैसे ही सब कुछ कंप्लीट होता है आप देख सकते हैं कि मेमोरी एफिशिएंसी क्या थी सीपीयू एफिशिएंसी क्या थी और आ, अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं कि, कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सी यूज़ हुए हैं कितने टास्क रन हुए हैं हर एक प्रोसेस का आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ देख सकते हैं Uh, फिर से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लॉग्स हैं प्रोसेस लेवल के जो कि डॉट कमांड डॉट लॉग फाइल होती है टास्क डायरेक्टरी में वो अभी विजिबल नहीं है क्योंकि हम खाली मॉनिटर फीचर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप नीचे आएंगे तो फिर भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ से मिल सकती है जैसे टैग्स हो गए जो कि हमने ट्रेस फाइल में देखा था नेक्स्ट uh, फ्लो के सेटिंग्स uh, में दूसरे सेशन में तो इस बार जो है अगर आप ये ग्राफ को देखें तो देख सकते हैं कि अब हमारे पास दूसरे कलर्स यूज़ हुए हैं और मेमोरी यूज़ हुई है दूसरी तरीके से तो अब जो है अपने अपने प्रोसेस को अपने पाइपलाइन को आपके आपके रिसोर्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं तो ये बात हुई हमारी मॉनिटरिंग की लेकिन मैं ए, दो और तीन चीज़ें और दिखाना चाहूँगा जैसे पैरामीटर्स हैं तो आप टावर के थ्रू ये भी देख सकते हैं कि पैरामीटर की वैल्यूज़ क्या थी जो आपने प्रोवाइड करें जैसे अब अगर मैं फिर से इस पाइपलाइन को लॉन्च करूँ अगर मैं इस बार बोलूँ रिज्यूम आउट टी आई आर मैं जो नेक्स्ट फ्लो के पैरामीटर्स हैं उनमें एक हाँ, माइनस होता है जैसे रिज्यूम लेकिन जो पाइपलाइन के पैरामीटर हैं उसमें दो बार डैश या माइनस या हाइफन यूज़ होता है तो हम यहाँ पे कहेंगे आर एन ए सीक एन एफ रिजल्ट इस बार हम इसे रन करेंगे और जो भी लिंक आएगा हम उस पर जाके देखेंगे कि इस बार पैरामीटर्स में क्या चेंज हुआ है और क्योंकि आउट टी आई आर जो है ये ज़्यादातर सुपरफिशियल चेंज होता है तो रिज्यूम करने पे हमें ये दिखेगा कि सारे प्रोसेसेस कैश थे जो कि सही है अब अगर आप यहाँ पर आके इस लिंक पर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि जो इस एग्जीक्यूशन के पैरामीटर्स होंगे उसमें हमारा जो चेंज हमने करा था वो हमें यहाँ दिखता है तो ये सब आपको एक वेबसाइट पे अवेलेबल हैं आप इस लिंक को लेकर अपने किसी कोलाबरेटर से शेयर कर सकते हैं और वो एग्ज़ैक्टली exactly देख सकेंगे कि आपने क्या पैरामीटर्स प्रोवाइड करें इसके साथ साथ आप कन्फिग्रेशन भी देख सकते हैं तो कन्फिग्रेशन जैसे कि हम जानते हैं कन्फिग्रेशन फ़ाइल का एक सेक्शन होता है पैरामीटर्स जो कि आप सेपरेटली भी देख सकते हैं लेकिन जैसे ही आप कन्फिग्रेशन फ़ाइल्स को देखेंगे तो आपको 100 परसेंट कन्फिग्रेशन जो है आपको टावर पे दिख जाएगी तो आप जो है आ, बिल्कुल आ, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कन्फिग्रेशन फ़ाइल्स की हर क्या थी कौन कौन सी कन्फिग्रेशन फ़ाइल्स इसने कंसिडर करी हैं और आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स असल में वो फीचर है जो ज़्यादातर आप टावर लॉन्च के साथ यूज़ करेंगे जो टू वे कम्युनिकेशन है ना कि वन वे कम्युनिकेशन है यहाँ पर आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारी डिस्कशन जो टावर लॉन्च फीचर के साथ थी तो अगर हम वापस टावर पर जाएं और जो कम्युनिटी वर्क स्पेस पर हमने पाइपलाइन लॉन्च करी थी उसे देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर रंस पर जाएँ हम और मेरे यूज़र की पाइपलाइन को सर्च करें यहाँ तो हम देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर है तो इसका मतलब है अभी पाइपलाइन रन हो रही है और हम देख सकते हैं कि ये इसका क्या स्टेटस है जैसे 29 नाइन प्रोसेस या टास्क सक्सीड हो चुके हैं एक टास्क अभी भी सबमिटेड है और इस बार अगर मैं किसी प्रोसेस पर जाकर टास्क पर जाकर उसके एग्जीक्यूशन लॉग को खोलता हूं तो वो मुझे दिखेगा क्योंकि ये टावर के थ्रू हमने लॉन्च करी है तो इसका बहुत इसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि अब जो है आपको और भी ज़्यादा इंफॉमेशन जो है आपको आगे दिख सकती है जो कि आप रेफ़र करना चाहें शायद प्रवियस uh, एग्जीक्यूशन के लिए तो अब जो है यहाँ पर हम फिर से पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस देख रहे हैं लेकिन इस बार हमारे पास डेटा सेट का ऑप्शन भी है जो कि इस पाइपलाइन में हमने कोई डेटा सेट यूज़ नहीं करा मैं आपको दूसरी पाइपलाइन में दिखाऊंगा उसके साथ हम एग्जीक्यूशन लॉग भी देख सकते हैं तो आपको शायद याद हो डॉट नेक्स्ट फ्लो डॉट लॉग फ़ाइल जो है आ, आपको आ, अगर आप कंप्यूटर अपने कंप्यूटर पर नेक्स्ट फ्लो को रन करा तो खाली वो आपके कंप्यूटर पर अवेलेबल होगी जैसे आप यहाँ देखना चाहें code.nextflow.log डॉट ये फाइल टावर के टावर तक अपलोड नहीं होती क्योंकि ये हो सकता है बहुत बड़ी फाइल हो लेकिन जब आप टावर के थ्रू पाइपलाइन को लॉन्च करते हैं तब आपको एग्जीक्यूशन लॉग भी अवेलेबल है और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइमलाइन डाउनलोड कर सकते हैं लॉग डाउनलोड कर सकते हैं कंसोल आउटपुट भी डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ आपको रिपोर्ट्स का भी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होंगी जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन ने रिमोट्स मैंने यहाँ पे एस थ्री का पाथ नहीं दिया था इसलिए आ, टावर जो है उसे रेंड उसे डिस्प्ले नहीं कर पाया लेकिन अगर मैं आपको कोई प्रीवियस रन दिखाऊँ प्रीवियस एग्जीक्यूशन दिखाऊँ जो कि शायद मेरे कोलीग्स ने करी हो जैसे देखते हैं आ, ठीक है हम देखते हैं कोई भी पिछली रन उठा आ, पिछला एग्जीक्यूशन उठाकर और देखते हैं कि उसमें कैसा हुआ है कैसे सब कुछ कंप्लीट हुआ है जैसे ये हमारी एन एफ ड्रैगन पाइपलाइन है अगर आ, इसमें भी डेटा सेट्स इसमें डेटा सेट्स का यूज़ हुआ है और रिपोर्ट्स का नहीं हुआ तो मैं एटलीस्ट आपको यहाँ पर डेटा सेट्स दिखा सकता हूँ तो डेटा सेट्स वो फीचर है टावर का जिसके साथ आप अपने डेटा स्पेशली सैम्पल शीट्स को ट्रैक कर सकते हैं जो इनपुट जो आपके पूरी पाइपलाइन के इनपुट में यूज़ होता है और उसे आप टावर पर देख सकते हैं डायरेक्टली उसके बाद अगर आप देखना चाहें वापस रन पे जाते हैं इस बार हम कोशिश करेंगे एक एग्जीक्यूशन को ढूंढने की जो कि जिसमें रिपोर्ट्स जनरेट हुई हो जैसे अगर हम इसमें देखें यहाँ पर रिपोर्ट्स जनरेट हुई हैं और जैसे यहाँ पे अगर मल्टी क्यूसी फाइल को हम खोल के देखें तो हम देख सकते हैं कि ये पाथ एस थ्री का पाथ था क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूशन जो हैं जो हम फ्री में एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्लाउड शो केस कम्यूनिटी में और कम्यूनिटी शो केस में ये ए डब्ल्यू एस बैच पर होती हैं और टावर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है इन क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ आप अपनी फाइल्स को जो है यहीं पे टावर के अंदर से देख सकते हैं और आपका डेटा आपका आपका डेटा जो है बिल्कुल आपके एनवायरनमेंट में रहता है टावर बस आपकी परमिशन के साथ अब जाके टावर ने मल्टी क्यूसी रिपोर्ट को शो करा है आपके वेबसाइट के साथ लेकिन जैसे ही आप इसे बंद करते हैं टावर अपने डेटा में इसके बारे में कुछ और सेव नहीं करता वो बस लोकेशन सेव करता है जो वो आपको फाइल दिखाने के लिए यूज़ करता है बाद में आइए देखते हैं पीडीएफ आउटपुट क्या है इस वर्कफ्लो का वो भी हम ब्राउज़र पर लोड कर सकते हैं और चाहें तो इसे दूसरी टैब में भी खोल सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक अगर आप टावर के थ्रू कुछ पाइपलाइन लॉन्च करते हैं तो आपके रिजल्ट्स तक जो हैं जो, जो रिपोर्ट्स हैं वो आप डिस्प्ले करा सकते हैं और जो भी आपकी टीम में मेंबर्स में हैं वो सब उस पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स को देख सकते हैं यहाँ से तो ये बहुत सारे फ़ायदों में से एक है जो आप टावर लॉन्च के साथ आपको मिलते हैं आइए देखते हैं एक बार फिर से मैट्रिक्स को इस बार मैट्रिक्स का ग्राफ हमारा बड़ा है और अच्छा है क्योंकि इसमें ज़्यादा सैम्पल्स यूज़ हुए हैं इसलिए आपको पूरी रेंज दिखती है और आप जॉब ड्यूरेशन देख सकते हैं इनपुट आउटपुट देख सकते हैं और उस हिसाब से अपने प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ आप चाहें तो इस पाइपलाइन को रिलॉन्च भी कर सकते हैं जैसे हम नेक्स्ट लोग कमांड लाइन पर रिज्यूम कहते हैं टावर की साइड पर हम उसे री लॉन्च कहते हैं और हम चाहें तो इसे बस री लॉन्च बटन दबाएं और ये फिर से रन हो जाएगा लेकिन इस बार ये सब कुछ कैश्ट रिजल्ट यूज़ करेगा क्योंकि ये पाइपलाइन पहले रन हो चुकी है और जब आप री लॉन्च करते हैं तो टावर ऑटोमेटिकली रिज्यूम रिज़्यूम ऐड कर देता है आपके कमांड uh, के साथ तो इसके साथ हमने रनस को कवर करा है लेकिन टावर में बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जैसे आप देखना चाहें तो एक्शंस कि जैसे ही आप गिटहब पर अगर आपने गिटहब से लिंक करा है अपने एक्शन को तो आप गिटहब पर कोई भी पाइपलाइन में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी टेस्टिंग टावर के थ्रू कर सकते हैं आप या तो आप टावर के नाम का टावर के नेटिव एक आ, हुक बना सकते हैं और आप चाहें तो उसे एक ए रिक्वेस्ट के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं इस इस पाइपलाइन को इस एक्शन को ये जो कॉन्सेप्ट है टावर एक्शंस ये गिरह एक्शंस की तरह है और अगर हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ें अगले टैब की तरफ बढ़ें तो हम देख सकते हैं डेटा सेट्स जो कि आप अलग से यहाँ पर डेटा सेट्स कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं और जब आप चाहें तो अपनी पाइपलाइंस में इस डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं आप चाहें तो इसके दूसरे वर्जन को भी देख सकते हैं आप आ, हो सकता है कि अभी आपके आ, प्रोजेक्ट में 10 सैंपल हों कल को 20 सैंपल हों तो आपको खाली वर्जन अपडेट करके नई फाइल अपलोड करनी होगी और आप नेक्स्लो को नेक्सलो पाइपलाइन के साथ अपने डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं अब जो अगले चार सेक्शंस हैं वो थोड़ा आ, ग्रुप में इंफ्रास्ट्रक्चर ले आ, की डिस्कशन के लिए हैं तो जैसे आपके एक ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन है या रिसर्च ग्रुप है तो उसमें आप एक बार कंप्यूट इन्वायरमेंट सेट करना चाहेंगे जैसे इस केस में ए डब्ल्यू एस बैच इन्वायरमेंट है वो सेट हुआ है और वो प्राइमरी इन्वामेंट है इसका मतलब अगर कोई भी पाइपलाइन लॉन्च करेगा इस कम्युनिटी शोकेस में वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाएगी लेकिन हो सकता है जिन लोगों के पास सफिशेंट परमिशन है वो ड्रैगन या दूसरे इन्वायरमेंट में पाइपलाइन को लॉन्च कर सकें इसके साथ हम देखते हैं आ, असल में आप कंप्यूट इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करके इन इन्वायरमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं आपको ए की मिनिमम नॉलेज की ज़रूरत है क्योंकि नेक्स्ट फ्लो और टावर क्या करता है जब यह आपको टावर इन्वायरमेंट बना के देगा तो वो इंश्योर करता है कि जो आपका मिनिमम एक्सपेंडिचर हो क्लाउड के साइड में और आप अपनी पाइपलाइंस को जैसे ही कंप्लीट करते हैं वो सारे रिसोर्स जो हैं ज़ीरो तक आ जाएं अगर आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो करा है अब आप क्रेडेंशियल्स को भी देख सकते हैं कि आप अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पे ही क्रेडेंशियल्स शेयर कर सकते हैं आपको हर हर एक के लिए कॉपी या पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी Uh, इसके साथ आप सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं जैसे एन की जो है वो शेयर कर सकते हैं और ये आप अपने वर्क में यूज़ कर पाएंगे इसके साथ एक पार्टिसिपेंट्स का सेक्शन है आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे uh, दो ई मेल आई डीज़ यहाँ पर हैं और उसके साथ जो सिकेरा लैब्स के जो टीम मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं uh, uh, आप उन सब की परमीशंस देख रहे हैं कि जैसे हर्षल पटेल है उनके पास एडमिन की परमिशन है एविन फ्लोडन है जो सिकेरा लैब्स के सी हैं उनके पास ओनर की परमिशन है और अगर हम चाहें तो पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट को देख सकते हैं ये पाओलो दी तोमासो हैं जिन जिन्होंने नेक्सलो को बनाया है वो उनके पास भी ओनर की परमिशन है यहाँ पर तो टावर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है और आप आपको अगर लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में या फिर आपके रिसर्च ग्रुप में टावर का इस्तेमाल हो सकता है तो आप बिल्कुल टावर को कंसिडर करिए आप सिकेरा लैब्स की टीम से बात कर सकते हैं और आप चाहें तो जैसे अगर हम क्लाउड डॉट टावर डॉट एन एफ़ जाएँ तो मैं अब आपको इसकी प्राइसिंग के बारे में बता सकता हूँ अगर आप इसके प्राइसिंग के टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकेंगे कि आ, टावर के तीन वर्जन हैं असल में आ, टावर क्लाउड के दो हैं वर्जन उन और उसके साथ एक टावर एंटरप्राइज़ है लेकिन साथ साथ एक टावर कम्युनिटी भी है जो हमने आपको आ, पहले सेशन की स्लाइड्स में दिखाया था टावर आ, जब आप टावर क्लाउड पर चेक करेंगे तो आपको टावर क्लाउड का फ्री वर्जन और टावर क्लाउड प्रोफेशनल वर्जन दिखेगा उसके साथ आ, टावर एंटरप्राइज दिखेगा आ, टावर हमने जो यूज़ करा है वो टावर क्लाउड फ्री वर्जन यूज़ करा है हमें आ, टावर की बहुत सारी एबिलिटीज़ जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं जो भी यूज़ करना चाहे कर सकता है लेकिन कुछ कोटल्स होते हैं जैसे पांच यूज़र या फिर आ, अगर आप प्रोफेशनल ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड पैकेज इसके साथ साथ अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर आप एकेडमिया में काम करते हैं आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं तो आप ये सारी एबिलिटीज़ जो हैं फ्री में यूज़ कर सकते हैं टावर की आ, और अगर आप जो है टावर एंटरप्राइज़ को परचेज़ करने करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंस्टॉल करने में आ, इच्छुक हैं इंटरेस्टेड हैं तो आप सिकेरा लैब्स की टीम्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके साथ आ, हमने टावर का सेक्शन कवर कर लिया है टावर आ, अगर आप टीम को रीच आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं और भी लिंक्स हैं जो आप आ, सिकेरा जिसके थ्रू आप सिकेरा लाप्स को पहुँच सकते हैं मैं आपको टावर की डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहूँगा जैसे आप अगर यहाँ क्लिक करेंगे डॉक्स पे तो आप इस पेज सॉरी आप जो है इस पेज पर आ जाएंगे टावर यूसेज डॉक्यूमेंटेशन पे जहाँ पर इन सब कॉन्सेप्ट्स को हमने पूरी कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की अच्छे से और आ, आप देख सकते हैं कंप्यूटर कंप्यूट इन्वामेंट्स मॉनिटरिंग पाइपलाइन क्रेडेंशियल्स ये सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मैंशनड हैं मैं आपको जल्दी से एक सी इंटरफेस के बारे में बताना चाहता हूँ जैसे हमने नेक्स्ट फ्लो का सी इंटरफेस देखा है और अभी तक हमने टावर का यूज़र इंटरफेस की बात करी है लेकिन आप टावर को भी एकदम सी के तरीके से चला सकते हैं और जो टावर सी का एक्सपीरियंस है जिसे हम टी कहते हैं वो नेक्स्फ्लो सी से बहुत सिमिलर है और एक बार अगर आपने टावर के ऊपर पाइपलाइंस और कंप्यूटर इन्वायरमेंट क्रीडेंशियल सब कुछ सेट कर रखा है तो आपको बस एक कमांड देनी है और आपकी पाइपलाइन जो है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन हो सकती है आप टावर की एपीआई का इस्तेमाल करके टावर को अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट भी कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ मिलेगी तो और ओपन एपीआई स्टैंडर्ड यूज़ हुआ है इस आ, ए को क्रिएट करने में इसके साथ साथ आ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आ, टावर के लिए हमारा फ्लो कम्यूनिटी में एक चैनल है जो फ्री यूसेज के लिए है तो आप कभी भी उस पर आपके आपके पास टावर से रिलेटेड सवाल है कोई तो आप उस पर हमें रीच कर सकते हैं आ, इसके साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है और आज के सेशन के साथ हमारी पूरी प्रशिक्षण के के सारे भागों का समाप्त समापन होता है तो मैं आपका आ, मैं आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने इन चारों दिन हमारे साथ हमारे हम हमसे हम हमसे जुड़े आप इन चारों दिन और हमारे साथ जो है नेक्स्ट फ्लोर और एन एफ कोर के बारे में आपने चर्चा करी तो आ, बहुत बहुत धन्यवाद आशा करते हैं कि ये ये जो प्रशिक्षण था आपके लिए बहुत यूज़फुल है और आप ओपन साइंस और ओपन कम्युनिटी और ओपन सोर्स की जो जो पावर है वो आप देख सकते हैं और अपने एनालिसिस अपने साइंटिफिक पब्लिकेशंस को और भी रिप्रोड्यूसिबल बनाना और ओपन बनाने की तरफ आप जब आप बनाना चाहेंगे तो हमारा इस ट्रेनिंग का जो कंटेंट है वो शायद आप इस्तेमाल करें तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम अभिनव शर्मा है आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर ए बी एच आई ए वी वन एट ए वी डॉट वन एट ए वी करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट ये है आप चाहें तो उससे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और uh, इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं uh, मैं नेक्स्ट फ्लो और एन एफ कोर्स स्लैग पर भी हूँ आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं वहाँ पर uh, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए